मैं उस प्रेम से प्रारंभ करूंगी जो सभी प्रेम से बढ़कर होता है। अमित ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, कवि सम्मेलन को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां से शायद मैं अपने श्रृंगार को ना पढ़ पाऊं, लेकिन उस प्रेम से अपने काव्य पाठ को पढ़ना चाहती हूं जो सभी प्रेम से बढ़कर होता है, और वो होता है देश प्रेम। और राजनीति जिस हथियार से डरती है, मेरी कविता का विषय वही है। कविता का विषय समझ में आ जाए तो आपके हाथ फुलना कि पूरी दुनिया आतंकवाद से डरती है, आतंकवादी राजनीति से, और राजनीति जिस हथियार से डरती है उसका नाम है जूता। बनती थी पहली रोटी जहां गाय के लिए, उस मुल्क में रोटी से कोई गाय खा गया। शांति कितनी मिलती है, तुम ओम नाम जप कर देखो, और धरा 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 ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। कहो करो से हम हिंदू हैं, हम हिंदू। खुला छोड़ दो सेना को, सरकार गिरे तो गिरने दो, बच्चे बच्चे की जुबान पर देशभक्ति की बोली हो, जो भारत की जय ना बोले उसकी छाती में गोली हो। एक दो शेर सुनाता हूं कि खुदा से आता है या कि भगवान से आता है, जो भी आता है बड़े अरमान से आता है। शेर सुनना, वावा वावा नहीं, ऐसे कई बार क्या होता है गलत समय भी कर देते हैं लोग। ऐसे कवि सम्मेलन चल रहा था तो कवि ने बार बार कहा कि बीच बीच में वावा करते रहना, और वो पढ़ता रहा। आधे घंटे बाद नीचे से कोई आवाज आई कि कोई गजल वजल भी सुनाओ, तो बोले मैं इतनी देर से गजल भी सुना रहा था, तो नीचे से आवाज आई वावा वावा। तो यार वावा तो तब कर रहा है जब गजल का शेर अगला आपके हाजिर करता हूँ, लेकिन अच्छे लोग आप बड़ा मन से सुन रहे हो। शेर सुनना कि खुदा से आता है या कि भगवान से आता है, जो भी आता है बड़े अरमान से आता है। खुदा से आता है या कि भगवान से आता है, जो भी आता है बड़े अरमान से आता है, और क्या रखा है जिक्र ए पैदाइश में मेरी, हीरा तक कोयले की खदान से आता है। क्या रखा है जिक्र ए पैदाइश में मेरी, हीरा तक कोयले की खदान से आता है। और राजस्थान के लोगों, शेर समझ में आ जाए तो एहसास कराना कि असर क्या होगा उस पर लू के थपेड़ों का। आपकी जानिब शेर पढ़ता हूं और मंच का भी पूरा ध्यान चाहता हूं कि असर क्या होगा उस पर लू के थपेड़ों का, नंगे पांव जो चलकर रेगिस्तान से आता है, नंगे पांव जो चलकर रेगिस्तान से आता है। और एक आखिरी शेर इस क्रम का पढ़ता हूं कि बेकार ही गई सब खरीदारियां फुलेल की, ये आपके लिए, आप सुन रहे बिल्कुल मतलब महिलाओं के लायक ही शेर बना है ये, कि बेकार ही गई सब खरीदारियां फुलेल की, और शेर लग जाए कि शेर हो गया है तो एहसास कराना कि बेकार ही गई सब खरीदारियां फुलेल, समझते ना इत्र फुलेल खुशबू, कि बेकार ही गई सब खरीदारियां फुलेल की, अरे खुशबू करेला तो तेरे बागान से आता है, अरे खुशबू करेला तो तेरे बागान से आता है। मैं बड़े क्रम में हूँ, लेकिन क्रम के अंदर मैं एक पंक्तियाँ दो कुछ चार पंक्तियाँ व्यंग की सुना देता हूँ, एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ। मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ कि दुनिया में एकमात्र ऐसा हथियार है साहब, दिनेश जी, पूरी दुनिया आतंकवाद से डरती है, आप समर्थन करेंगे इस बात का? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो भाई साहब बता रहे थे, आतंकवाद का मतलब वो आतंकवाद जिसे हमें हानि होती है, जो बम, उनका कोई जाति धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई जाति धर्म नहीं होता, वो किसी का भी हो सकता है, कि पूरी दुनिया आतंकवाद से डरती है, आतंकवादी जिससे डरते हैं वो है राजनीति, उसके सामने वो भी घुटने टेक देते हैं। और राजनीति जिस हथियार से डरती है, मेरी कविता का विषय वही है, कविता का विषय समझ में आ जाए तो आपके हाथ फुरना कि पूरी दुनिया आतंकवाद से डरती है, आतंकवादी राजनीति से, और राजनीति जिस हथियार से डरती है उसका नाम है जूता। अरे वाह शंकर भाई, क्या बात, बहुत खूब। बस यहीं से कविता शुरू होती है कि उस विदेशी पत्रकार ने जूता क्या फेंका, सरेआम लोकतंत्र का नाक छीन लिया। उस विदेशी पत्रकार ने जूता क्या फेंका, सरेआम लोकतंत्र का नाक छिल गया, पर मानो राजनीतिक अवमूल्यन से दुखी आम आदमी को हथियार मिल गया। अरे वाह, पर मानो राजनीतिक अवमूल्यन से दुखी आम आदमी को हथियार मिल गया, तो महंगाई से त्रस्त आदमी को उस कि महंगाई से त्रस्त आम आदमी को आज भले और कुछ नहीं सूझ रहा है। और दूसरी पंक्ति अगर आपको ठग से लग जाए तो व्यंग की पंक्ति है, आप बताना कि महंगाई से त्रस्त आम आदमी को आज भले और कुछ नहीं सूझ रहा है, पर दुकान से जूते खरीदते समय वो कीमत नहीं मारक क्षमता पूछ रहा है। बहुत खूब भाई, जूता कहाँ तक जाए, जिंदाबाद। पुल का लोकार्पण हो, स्कूल का, या बनाने को कोई सड़क जाए,
पुल का लोकार्पण हो या स्कूल का या बनाने को कोई सड़क जाए, हर नेता की नजर भीड़ के पांव पर रहती है, जाने किस जूते का दिन धड़क गया। निरंकुश तंत्र में जूते का अवतार, लोगों ने कहा कि अब भगवान तो आ नहीं सकते, इसलिए बुराई का जूते नहीं, राम जी की तो खड़ा रखी थी, तो जूते ने ही अवतार लिया है। मैं उसका जवाब पढ़ता हूँ, पूरे मंच का ध्यान चाहता हूँ, पूरे समुदाय का ध्यान चाहता हूँ, और पंक्ति ठीक लग जाए तो आप एहसास कराना, निरंकुश तंत्र में जूते का अवतार, काश ये बात सच्ची हो जाती, पर सन 47 में होता तो देश की दशा अच्छी हो जाती, सन 47 में होता तो देश की दशा अच्छी हो जाती। 6 आखिरी पंक्तियां आपके सामने रखता हूं कि किसने इसकी खोज करी और कौन इसका प्रणेता है। सब चिंतित है कि यार ये हथियार बनाया किसने, कौन वैज्ञानिक है, कि किसने इसकी खोज करी और कौन इसका प्रणेता है। लाखों इसके क्रेता हैं और अब लाखों ही विक्रेता हैं, कदमों का हिस्सा कर कमलों में, होता ये कौन सलीका है। जूते और चप्पल तक बोल पड़े संसद से हमने सीखा है, जूते और चप्पल तक बोल पड़े संसद से हमने सीखा है। आज आप हर चेहरे पर गौर से देखिए, ये दो पंक्तियां व्यंग की आपको सौंपता हूँ, और कोटा के लोग, कविता के लोग हैं, समझ जाएंगे। इन दो पंक्तियों में भूमिका बनाता हूँ आदरणीय सुरेश अलबेला जी की, जिन्होंने कोटा को पूरी दुनिया के नक्शे पर रखा, कोटा राजस्थान सुरेश अलबेला के नाम पर आई। मैं दो पंक्तियां आखिरी पढ़ता हूँ, दोनों पंक्तियों में इतनी तालियां बजाना कि मेरा वहां तक प्रस्थान हो और भाई का आगमन। दो पंक्तियां आपके सामने कि किसने इसकी खोज करी और कौन इसका प्रणेता है। लाखों इसके क्रेता है और लाखों ही विक्रेता है, कदमों का हिस्सा कर कमलों में, होता ये कौन सलीका है। जूते और चप्पल तक बोल पड़े संसद से हमने सीखा है। आज आप हर चेहरे पर गौर से देखिए, गुस्से से कहीं ज्यादा गर्व की लीक है। राजनीति जब ठोकरों में आ जाए तो उसके लिए जूता ही ठीक है, राजनीति जब ठोकरों में आ जाए तो उसके लिए जूता ही ठीक है। देखिएगा जमाना बदला, भी एक बॉम्बे में घटना हो गई। मुंबई में एक बेटा 1.5 वर्ष बाद में अमेरिका से लौटा जी, घर पे आया देखा माता कंकाल मिला। साल भर 1.5 साल उसने माँ से बात ही नहीं करी। हम कैसे लोग हुआ करते थे, हम क्या हो गए, हम कितना बदल गए, हम जमाना कितना बदल गया, हमारे संस्कार कितने बदल गए। 4 पंक्तियां देखिएगा, एक मुक्तक देखिएगा, इतनी सी तालियों से मेरा काम नहीं चलेगा। अब की बार जोरदार तालियों की अपेक्षा के साथ ही मुक्तक सुना रहा हूँ साहब जी, जी। देखिएगा कैसे हम बदल गए। बदला है जमाना के बुरे हाल हो गए, बदला है जमाना के बुरे हाल हो गए, इस दौर के बच्चे भी क्या मिसाल हो गए। माशूक के कदमों में ढूंढते हैं जन्नते, माशूक के कदमों में ढूंढते हैं जन्नते, माँ बाप के पैरों को छुए सारे बाबे, माँ बाप के पैरों को छुए साल हो गए, माँ बाप के पैरों को छुए साल हो गए। और दोस्तों जब कैसी वक्त भी कैसा ये आ गया, तालियां मांगूंगा गौर गौर फरमाना। ओ आहट है कैसी वक्त भी कैसा ये आ गया, क्या बात है, क्या खून में कोई मेरे पानी मिला गया। आहट है कैसी वक्त भी कैसा ये आ गया, क्या खून में कोई मेरे पानी मिला गया। बनती थी पहली रोटी जहां गाय के लिए, बनती थी पहली रोटी जहां गाय के लिए, उस मुल्क में रोटी से कोई गाय खा गया, उस मुल्क में रोटी से कोई गाय खा गया। आहट है कैसी वक्त ये कैसा ये आ गया। और साहब मैं किसी व्यक्ति विशेष, संप्रदाय विशेष, धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी धर्मों में गाय को तवज्जो दी गई है, गाय को महान प्राणी माना गया है, पवित्र पशु माना गया है, हम तो माँ मानते हैं।
साहब ये घटनाएं क्यों होती है, और जब ये घटनाएं होती है पूरा मीडिया एक पक्ष में हो जाता है और ओवर सेकुलरिज्म जो होता है उसके हम पीड़ित हैं, और ये घटनाएं कब रुकेगी? मैं उपाय बताता हूं। इस बार अगर तालियों का महोत्सव हो इस चार पंक्तियों में तभी ये पंक्तियां कहने की सार्थक होगी। देखिएगा, हालात सुधारेंगे, क्या बात है, रोक के रखिएगा सर, हालात सुधारेंगे हम गाय के लिए, सौ जन्म भी वारेंगे हम गाय के लिए, ठीक पढ़ रहा हूं, हालात सुधारेंगे हम गाय के लिए, सौ जन्म भी वारेंगे हम गाय के लिए, अखलाक की रुदालियों ये गौर से सुन लो, अखलाक की रुदालियों ये गौर से सुन लो, एक लाख भी मारेंगे हम गाय के लिए, एक लाख भी मारेंगे हम गाय के लिए, वाह, हालात सुधारेंगे हम गाय के लिए। और साहब मेरा देश श्री राम की परंपरा वाला देश, ढोंगियों की चपेट में हम श्री राम से शुरू हुए थे, आसाराम तक पहुंच गए, सही कह रहा हूं, क्या परंपराएं थी हमारी साहब, कितने हम धनी थे, हमारी संस्कृति बहुत धनी है, हम श्री राम से शुरू हुए आसाराम तक पहुंच गए, आसाराम से मुक्त हुए रामपाल तक पहुंच गए, रामपाल से मुक्त हो गए राम रहीम तक पहुंच गए। बैठो साहब, बैठ जाओ साहब, जब धर्म का पतन होता है तब चार पंक्तियों को रखता हूं पीड़ा के रूप में। देखिएगा साहब, अगर सहमत हो तो, अब तक जो लोग मुझसे नहीं जुड़ पाए थे जुड़िएगा, देखिएगा चार पंक्तियां नई पंक्तियां हैं, जो धर्म के, दिनों से भाई सुनिएगा जीतू भाई, जो धर्म के विरुद्ध हो वो काम ना करे, जो धर्म के विरुद्ध हो वो काम ना करे, व्यभिचारियों पावन सा ये उपनाम ना धरो, जो धर्म के विरुद्ध हो वो काम ना करो, व्यभि भारत को तोड़ देने की बात की जाती है जी, आजकल कई शहरों में ऐसा माहौल है ऊपर रख ले, और अशांति के माहौल में जब भारत मेरे देश को तोड़ने की बात की जाती है तब कोटा शहर के लोगों की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, आपका अनुज ये चार पंक्तियों में मैसेज देना चाहूंगा। देखिएगा, कागजी फूलों को खुशबू की जद में लाने का, मुस्कुरा कर दिलों के खेल जीत जाने का, कागजी फूलों को खुशबू की जद में लाने का, मुस्कुरा कर दिलों के खेल जीत जाने का, जलाने वालों का हो, जलाने वालों का हो, कैसे घर जला दोगे, हमको आता है हुनर बस्तियां बसाने, क्या बात है, हमको आता है हुनर बस्तियां बसाने का, कागजी फूलों को, देखिएगा उस छोटे से 15 साल के क्रांतिकारी बच्चे का जवाब देखिएगा, हम शान से जीते हैं हमें खुद पे नाज है, वाह, हम शान से जीते हैं हमें खुद पे नाज है, अपनी अलग ही धुन है हम अलग मिजाज है, हम शान से जीते हैं हमें खुद पे नाज है, अपनी अलग ही धुन है हम अलग मिजाज है, हमको वतन की बेड़ियां जीने नहीं देती, हमको वतन की बेड़ियां जीने नहीं देती, अपने वतन पे खुद को मिटाना रिवाज है, अपने वतन पे खुद को मिटाना ना रिवाज है। अरे दोस्तों, जब बात संस्कारों की चली तो बात को संस्कारों से ही होते हुए चलना होगा, गाय गोमाता हमारे संस्कारों में है, चार पंक्तियां एक मुक्तक एक पीड़ा पर कहीं बना था, कहीं किसी प्रदेश में गाय को काटकर पका लिया गया, खा लिया गया, मेरी ये चार पंक्तियां जो बहुत लोकप्रिय हुई सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत लोगों ने इसको शेयर किया,
चार पंक्तियां देखिएगा, हमारी संस्कृति का जब पतन हुआ, जब गौ माता की हत्या होने लगी, तब चार पंक्तियों में मेरा दर्द देखिएगा। और कैसी भक्ति भी कैसा ये आ गया, तालियां मांगूंगा गौर, गौर फरमाना। ओ आहट है कैसी भक्ति भी कैसा ये आ गया, क्या बात है, क्या खून में कोई मेरे पानी मिला गया। आहट है कैसी भक्ति भी कैसा ये आ गया, क्या खून में कोई मेरे पानी मिला गया। बनती थी पहली रोटी जहां गाय के लिए, बनती थी पहली रोटी जहां गाय के लिए, उस मुल्क में रोटी से कोई गाय खा गया, उस मुल्क में रोटी से कोई गाय खा गया। आहट है कैसी भक्ति ये कैसा ये आ गया। और साहब, मैं किसी व्यक्ति विशेष, संप्रदाय विशेष, धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी धर्मों में गाय को तवज्जो दी गई है, गाय को महान प्राणी माना गया है, पवित्र पशु माना गया है, हम तो माँ मानते हैं। साहब, ये घटनाएं क्यों होती है, और जब ये घटनाएं होती है पूरा मीडिया एक पक्ष में हो जाता है, और ओवर सेकुलरिज्म जो होता है उसके हम पीड़ित हैं, और ये घटनाएं कब रुकेगी, मैं उपाय बताता हूँ। इस बार अगर तालियों का महोत्सव हो इस चार पंक्तियों में, तभी ये पंक्तियां कहने की सार्थक होगी। देखिएगा, हालात सुधारेंगे, क्या बात है, रोके रखिएगा सर, हालात सुधारेंगे हम गाय के लिए, सौ जन्म भी वारेंगे हम गाय के लिए, ठीक पढ़ रहा हूँ, हालात सुधारेंगे हम गाय के लिए, सौ जन्म भी वारेंगे हम गाय के लिए। अखलाक की रुदालियों ये गौर से सुन लो, अखलाक की रुदालियों ये गौर से सुन लो, एक लाख भी मारेंगे हम गाय के लिए, एक लाख भी मारेंगे हम गाय के लिए। वाह, हालात सुधारेंगे हम गाय के लिए। और साहब, मेरा देश श्री राम की परंपरा वाला देश, ढोंगियों की चपेट में हम श्री राम से शुरू हुए थे, आसाराम तक पहुंच गए, सही कह रहा हूँ, क्या परंपराएं थी हमारे साथ, कितने हम धनी थे, हमारी संस्कृति बहुत धनी है, हम श्री राम से शुरू हुए, आसाराम तक पहुंच गए, आसाराम से मुक्त हुए रामपाल तक पहुंच गए, रामपाल से मुक्त हो गए राम रहीम तक पहुंच गए। बैठ जाओ साहब, जब धर्म का पतन होता है तब चार पंक्तियों को रखता हूं पीड़ा के रूप में। देखिएगा साहब, अगर सहमत हो तो, अब तक जो लोग मुझसे नहीं जुड़ पाए थे जुड़िएगा, देखिएगा चार पंक्तियां, नई पंक्तियां हैं, जो धर्म के, दिनोश भाई सुनिएगा, जीतू भाई, जो धर्म के विरुद्ध हो वो काम ना करें, जो धर्म के विरुद्ध हो वो काम ना करें, व्यभिचारियों पावन सा ये उपनाम ना धरो, जो धर्म के विरुद्ध हो वो काम ना करो, व्यभिचारियों पावन सा ये उपनाम ना धरो, मर्यादा के प्रतीक थे प्रकाश पुंज है, मर्यादा के प्रतीक है प्रकाश पुंज है, बाबाओं मेरे राम को बदनाम, बाबाओं मेरे राम को बदनाम ना करो, बाबाओं मेरे राम को बदनाम ना कर। अगर ठीक पढ़ रहा हूँ तो एक बार जोरदार दोनों हाथों पर उठाकर मुझे तालियां बजाकर आदेशित कीजिए। अगला मुक्तक, साहब देश का माहौल, सैनिकों पर पत्थर फेंकते हैं साहब जी, आजकल ये स्टेटस सिंबल हो गया, मैंने एक फौजी के थप्पड़ मारी हुई है, और मैंने कल पुलिस वाले के थप्पड़ मारी, कुछ नहीं होता है, ये हम खुद का नुकसान कर रहे हैं, हम अपनी भावी पीढ़ियों को नुकसान में डाल रहे हैं। देखिएगा साहब, जब
देश के सैनिकों पर पत्थरबाजी होती है, उनके साथ मारपीट होती है, भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, और जब राजनीति उनका पक्ष लेती है तब दर्द होता है, जब मीडिया एक एक पक्षीय रिपोर्टिंग दिखाता है तब दर्द होता है। चार पंक्तियां देखेगा, उनको पढ़ने वाले लड़के बता दिया जाता है, चार पंक्तियां मेरी कलम से आपकी सेवा में, आपकी जांच है तू जी। कटती हुई गर्दन के हाल क्या बया कहें, क्या बात है, कटती हुई गर्दन के हाल क्या बया कहें, उनसे कहो वो भी वतन को आशियां कहें, कटती हुई गर्दन के हाल क्या बयां कहें, उनसे कहो वो भी वतन को आशियां कहें, इससे ज्यादा और जवां कितनी गिरेगी, इससे ज्यादा और जवां कितनी गिरेगी, हम कातिलों को भटका हुआ नौजवान कहें, हम कातिलों को भटका हुआ नौजवान कहें, कटती हुई गर्दन के हाल क्या बयां कहें। और अगर आपका आदेश हो तो एक गीत पढ़ने का मन है मेरा, क्योंकि मैं वहां पर जाके फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहता, पूरा पूरा पूरे मन से सुनाइए एक बार, आप जोरदार तालियों में हाथ कर बताइए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। कोटा, मेरा कोटा आना सार्थक हो गया, मेरा सपना था कि मैं कभी कोटा जाऊंगा, और बहुत सुनते थे कोटा के श्रोताओं के बारे में, आज यूं समझ लीजिए मेरा सपना ही सार्थक हो गया, बहुत आभार दिनेश भाई साहब। देखिएगा गीत की भूमिका जी, एक गीत जो शहीदों पर लिखा था, हम कितने बदल गए हैं पता नहीं, हो क्या रहा है, दरअसल हमें खुद को पता नहीं हम किस दिशा में जा रहे हैं, और हम जो सेना का सम्मान करने वाले लोग थे आज हम इतने सीने प्रेमी हो गए हैं कि हमें अब हमने अपने हीरो बदल लिए हैं, और हमने अपने हीरो बदले ही नहीं, वो हमारे मन और पर इस तरह से हावी हो गए हैं कि हमें उनके अलावा कुछ सूझता ही नहीं, हमने अपने असल हीरो जो है उनका सम्मान करना हमने छोड़ दिया। चार पंक्तियां अमर शहीद हनुमत थप्पा के लिए मैंने लिखी थी, कल परसों ही लिखी थी, मैं पेश कर रहा हूँ, देखिएगा कैसी बन गई, हम क्या थे और हम क्या होते क्या जा रहे हैं, देखिएगा कि कहीं सुल्तान की जय है, कहीं सुल्तान की जय है, कोई कहता कटप्पा जय, बहुत क्रेज, अरे कटप्पा किसने मारा, क्यों मार, तेरे क्या लेना देना भाई, मार दिया तो मार दिया, हाँ कहीं सुल्तान की जय है, कोई कहता कटप्पा जय, ओ नेताओं तुम्हारा वोट वाला झोल झप्पा जय, कहीं सुल्तान की जय है, कोई कहता कटप्पा जय, ओ नेताओं तुम्हारे वोट वाला झोल झप्पा जय, बर्फ का एक टुकड़ा कल हथेली पर रखा मैंने, बर्फ का एक टुकड़ा कल हथेली पर रखा मैंने, मेरा दिल चीख कर बोला अमर हनुमंत थप्पा जय, मेरा दिल बोला, क्या बात है भैया, 15 फीट बर्फ के नीचे 4 दिन तक बंदा दबा रहा था, देखिएगा साहब दर्द सैनिकों के सम्मान में, जैसे लोग आप आदरणीय चेतन चीता, मुझे जानकारी मिली इसी शहर के हैं, ऐसे एक बार जोरदार तालियां, हमारे योद्धा हैं, असल हीरो हमारे ये हैं, हमारा कोई सुल्तान हमारा असली हीरो नहीं है। चार पंक्तियां जो मैंने अमर शहीद हनुमत थप्पा के सम्मान में उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि देनु हेतु कही, एक गीत किसी पड़ाव में बन पड़ा था, मैं अक्सर ये गीत सुनाया करता हूँ क्योंकि अच्छा सुन लिया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो पेश करता हूँ मेरा गीत शहीद नंदन, जुगनुओं के कंधों पर की रोशनी रंग सी, छोटी सी भूमिका, बेटा शहीद हो जाता है सीमा पर, अभी उसकी शहादत का समाचार घर पे आया नहीं है, उसका समाचार आता है फिर शहीदों के परिवार त्योहारों पर किस तरह से उदास हुआ करते हैं अपने बच्चों को याद करके, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदेश दीजिए, मैं यात्रा शुरू करता हूँ, बहुत शुक्रिया, मन से रूम स्वागत, दिल से सुनने वाला गीत है, हो सके हो सकता है आप इसमें तालियां ना भी बजा पाएं, क्योंकि ये मन से सुनने वाला गीत है और मैं इसमें अपेक्षा भी नहीं करूंगा तालियों की, दिल से सुनिएगा साहब, जुगनुओं के कांधों आतंकी ना कहता, मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता, और अगली पंक्ति पर एक हाथ
हाथ भी खामोश ना रहे, ताली आपकी लहरती नजर आए कि मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होता। वाह भैया वाह। मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। अरे लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, एक वाह भाई वाह वाह वाह। लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। बहुत कड़ी बनकर तू बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपने समर्थन किया कि लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है शंकर जी, मैं बताता हूँ क्या चीज काम में आती है। बहरे कानों के लिए धमाके भी जरूरी होते हैं, तो क्या चीज काम में आती है। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। हम इस अहंकार में रह गए, हमने वेद लिख दिए, हम इस अहंकार में रह गए। सत्य सनातन धर्म बहुत प्राचीन है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। हम इस अहंकार में रह गए, इस हिंदुस्तान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ मित्रों क्या चीज काम में आती है। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। जय हो जय हो। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, 20-30 हजार लोग नहीं साहब, 7 लाख कश्मीरी हिंदू, 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। और तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा बहन को लूटा वो चुपचाप खड़े रहे। कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, ललकारता उन लोगों कैसे भाग गए 7 लाख लोग कश्मीर की घाटी छोड़कर। कि अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम। अरे केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। क्या बात है। केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। अरे पाक का झंडा ना होता, पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीर में। क्या बात है। कोई बात नहीं, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी। मित्रों एक मुझे बहुत गंदी आदत पड़ी हुई है कि जब तक लोग हाथ उठाकर तालियां कुर्सियों पर उछल उछल कर तालियां नहीं बजाए, मेरा जो स्टैमिना हो पूरी तरह नहीं होता। लेकिन आप बहुत मन से सुनने आपको प्रणाम करता हूँ कि 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा बहन को लूटा वो चुपचाप खड़े रहे। कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। अरे पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। अरे सच्चाई का शीशा ले, नमन करता हूं प्रणाम करता हूं कि सच्चाई का शीशा लेकर कब सच्चाई खोलेंगे। एक नाम मित्रों कविता में लेता हूं, मैं उस देश का समर्थक नहीं हूँ, उस व्यक्ति का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में अमित शर्मा उस दुनिया के उस हर व्यक्ति का समर्थन करता है जो सत्य बोलने की हिम्मत करता है। जिसने डंके की चोट पर उस व्यक्ति ने आतंकवाद को इस्लामिक आतंकवाद कहने की कोशिश की, उस व्यक्ति का जब नाम आए तो आपकी तालियां अमेरिका तक पहुंचे कि सत्ता की एक बार जोड़ जाता है। कि सच्चाई का शीशा लेकर कब सच्चाई खोलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में कब दिल्ली वाले बोलेंगे। वाह
सच्चाई का शीशा लेकर कब सच्चाई खोलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में कब दिल्ली वाले बोलेंगे, और सत्ता पैसा चले जाएंगे कुछ आनंद नहीं होगा। कविता के अंतिम पंक्ति में मेरे गुरुदेव का नाम आएगा, उनका नाम यति नरसिंहानंद सरस्वती है। इस हिंदुस्तान के बहुत बड़े शेर हैं, उनके समकक्ष कोई भी व्यक्ति नहीं है। जब मेरे गुरुदेव का नाम पंक्ति में आए, मैं चाहता हूँ आपकी पंक्तियां गुरुदेव के सम्मान में आपकी तालियां उठे कि सत्ता पैसा चले जाएंगे कुछ आनंद नहीं होगा, और उसकी तुमको समझाने नरसिंहानंद नहीं होगा। मैं भगवान की कविता पढ़ना चाहता था, लेकिन इनकी बहुत अच्छी रचना है। गौरी कह रही है कि बहुत सारे भगवाधारी बैठे हैं, तो भगवा पढ़ लो बिल्कुल। और उस भगवा कविता के पीछे ये भी बात है कि सबसे पहले उस कविता को आपके प्रांत राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने सबसे पहले अपने फेसबुक पेज पर डाला और वो करोड़ों लोगों तक पहुंची। उस कविता ने मुझे अमित शर्मा बनाया जी। मित्रों, ये कविता, इस कविता का निर्माण, उसकी रचना तब हुई, आतंकवाद के साथ एक और नाम जुड़ा, वो नाम था हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। मित्रों, दुख का कारण ये था कि जिस व्यक्ति ने हिंदू आतंकवाद कहा, भगवा आतंकवाद कहा, वो संसद के प्राचीर से बोलने वाला कोई मुसलमान या ईसाई नहीं था, वो हमारा भूतपूर्व गृह मंत्री सुशील सिंधे, एक हिंदू था। जब उसने हिंदू आतंकवाद कहा, भगवा ने, चिंता की कोई बात नहीं, बहुत बुरी तरह हारा है, जमानत जब्त हो गई। जब उसने हिंदू आतंकवाद कहा, भगवा आतंकवाद कहा, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं चाहता तो उसके विरोध में कुछ भी लिख सकता था, पर उसकी संस्कृति ऐसी है वो किसी को गाली दे, मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं किसी को गाली दूं। किसी कवि की मुझे दो पंक्ति याद आ गई कि कीचड़ तेरे पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था सबने दिया उछाल। तेरे संस्कार ऐसे थे तो किसी को गाली दे, पर मेरे संस्कार ऐसे नहीं मैं किसी को गाली दूं। लेकिन मित्रों, उस व्यक्ति को यह बताने की कोशिश की कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, भगवा क्या है। आगे पंक्ति बोलेगी कि जब जब आहत हुई ये धरती, जब जब आहत हुई ये धरती, देव मुनियों ने बचाई थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबने लीला अपनी रचाई थी, भागीरथ ने की विनती, जब माँ गंगा धरती पर आई थी, डुबा न दे गंगा धरती को, शंकर ने जटा फैलाई थी, डुबा न दे गंगा धरती को, शंकर ने जटा फैलाई थी, समुन्द्र मंथन जब हुआ अमृत दिया था भगवान ने, इस धरती की रक्षा हेतु जहर पिया था भगवान ने, इंसान बने हैं अपने भगवान, मानव धर्म निभाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है। भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे, भैया एक बार आप खड़े जो जिन्होंने माला पहनाई है, कि भगवा वस्त्र, कि भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं, धर्म के ये सच्चे रक्षक अंबर के चमकते तारे हैं, शक्ति इतनी है इनमें, शक्ति इतनी है इनमें, सब वीरान बना सकते हैं, पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं, पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। आज विदेशी आते हैं और हिंदू बन जाते हैं। हमारे यहाँ पे एक महाकुंभ लगा जिसमें 25 करोड़ लोग आए, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है। 25 करोड़ लोगों में से 18 लाख लोग विदेशी थे, उन 18 लाख विदेशी लोगों में से 14,500 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया, जिसमें बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी फोर्ड कंपनी के मालिक के लड़के ने जब हिंदू धर्म अपनाया और उसका हिंदू नाम रामदास रखा गया, तब जाकर मैंने पंक्ति लिखी कि आज विदेशी आते हैं आकर हिंदू बन जाते हैं, राम राम जपते सारे सब भक्ति कठोर तपस्या क्या होती है, साधु सा तप कर देखो, शांति कितनी मिलती है, तुम ओम नाम जप कर देखो, और धरा धरा ये जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु हैं, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, और हम ही सबसे आगे थे, सबको इतिहास बता देगा। इतिहास उठाकर देखो, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 1438 में है, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 2017 में है, लेकिन हिंदू विक्रम संवत की बात करें तो आज 2074 में है और 2075 में पहुंचने की तैयारियां कर रही है। 57 साल तो इस दुनिया से हम लिखित रूप में आगे हैं। हमारे पास दादाजी वेदों के अनुसार हमारे पास सिर्फ ये आंकड़ा है कि इस धरती माता को बने हुए लगभग 1,96,000,000,000 वर्ष हो गए हैं। हम ही
हम ही सबसे आगे थे, सब कुछ इतिहास बता देगा, जमी बता देगी किससे, सारा आकाश बता देगा, दुनिया मां चपका की थी, हम फसल उगाया करते थे, लोग घूमते थे नंगे, हम बदन छुपाया करते थे, जब दुनिया वाले किसी पेड़ के नीचे सो जाया करते थे, उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे, उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे, सत्य अहिंसा और धर्म का हमने सबक सिखाया है, अपनी ताकत का लोहा इस दुनिया से मनवाया है, मुगलों से ना मिटे हिंदू अंग्रेज हार कर चले गए, सिकंदर जैसे बलशाली भी मन को मार कर चले गए, इस दुनिया में जिसने भी हिंदू को मिटाना चाहा है खुद ही चला गया दुनिया से, हिंदू मिटना पाया है, चीज झुका कर जो आया सबका सत्कार किया हमने, दुश्मन की थी भूल के बाद सबको प्यार किया हमने, वो भी हम मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं, वो भी हम मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं, और भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। क्या बात है भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं, अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। अगले बंद में बताता हूँ भगवा क्या है। भगवा कोई आतंकवाद का रंग नहीं है, क्योंकि अगर भगवा धारी आतंकवादी होता तो दुनिया में सिर्फ भगवाधारी होता और कोई नहीं होता। अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। प्राणों से जो प्यारा तिरंगा उस झंडे की शान है भगवा। चंदा जब जब आता है रंग भगवा का लाता है, सूरज के अंदर देखो तुम भगवा ही लहराता है। भगवा अपना जीवन है, भगवा अपनी पहचान है, अमरीका जैसे देशों में भी भगवा का गुणगान है। भगवा का सम्मान ही पूरे देश का सम्मान है, और भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान। वाह भैया वाह वाह वाह। जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग अभिवादन करें इस चीज। आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। वाह। आज लोग कहते हैं हिंदुत्व को मिटा देंगे, हिंदुस्तान को मिटा देंगे। मित्रों डरने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान कब बना किसी को कुछ नहीं पता। हर देश की जन्मतिथि है, पाकिस्तान की जन्मतिथि 14 अगस्त 1947 है, पाकिस्तान की जन्मतिथि है, बांग्लादेश की जन्मतिथि है, डेनमार्क की जन्मतिथि है, थाईलैंड की जन्मतिथि है, कंबोडिया की जन्मतिथि है, अफगानिस्तान की जन्मतिथि है, अमेरिका की जन्मतिथि है, इंग्लैंड की जन्मतिथि है, ब्रिटेन की जन्मतिथि है, इटली की जन्मतिथि है, मलेशिया की जन्मतिथि है, सिंगापुर की जन्मतिथि है, और जिसकी जन्मतिथि होती है उसकी मरण तिथि भी होती है। हम अजन्मे है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगा सकता। कि आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा, कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाए। क्या बात है। आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा, कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाएगा। और जलते दीपक में भगवा है, कब तक उसे बुझाओगे? और भगवा मिटाने वालों कैसे सूरज चांद मिटाओगे? भगवान मिटाने वालों कैसे सूरज चांद मिटाओगे? सद्भाव प्रेम से जीने की सलाह आज भी देते हैं, इंसान बने हर कोई दुनिया में, बात यही हम कहते हैं। अपना झगड़ा नहीं रहा कभी मच्छी चर्च मजारों से, पर जंग हमेशा छिड़ी रहेगी घर बैठे गद्दारों से। क्या बात है। छिड़ी रहेगी घर बैठे गद्दारों से। ये कौन लोग हैं अफजल की फांसी पर मातम मना रहे? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 450 करोड़ रुपए मित्रों जब आप अपने टैक्स के पैसों से देते हो ना, तो वो जेएनयू में हमारे और आपके टुकड़ों पर पड़ते हैं। जिस यूनिवर्सिटी से चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह निकलने थे उससे अफजल निकलते, तब जा कहता हूं ये कौन लोग हैं अफजल की फांसी पर मातम मना रहे? खामोश खड़ी है पुलिस भी अपनी डंडा तक न दिखा रहे। काले धन पर संसद घेरे हम पर डंडा बरसाते हैं, आतंकी को जीजा भूपा साहिब तक भी बताते हैं। वो कौन शख्स है जिसने जंतर मंतर का घेराव किया, अपनी ही सेना के ऊपर ईंटों से पथराव किया? उत्तर अब तक मिला न मुझको, इन आंखों में नीर है। अरे आतंकी के मरने पे क्यों बंद हुआ कश्मीर है? आतंकी के मरने पे क्यों बंद हुआ कश्मीर है? देशद्रोह का केस ठोक दो जो फांसी का विरोध करे। अब अपनी बात आप तक कहता हूं कि देशद्रोह का केस ठोक दो जो
कैदियों फांसी का अवरोध करे, अपनी न्याय व्यवस्था में पैदा जो भी अवरोध करे, मातम जो ये मना रहे भारतीय नहीं गद्दार है, और अफजल को जो मौत मिली ये भी उसके हकदार है, अफजल को जो मौत मिली ये भी उसके हकदार है, कि घर ना समझे बातों को हम सारे ही मिट जाएंगे, घर ना समझे बातों को हम सारे ही मिट जाएंगे, अपनी खामोशी के बदले भारी हानि उठाएंगे, कहो भारती के सीने पर प्रहार नहीं होने देंगे, इटली वालों के सपने साकार नहीं होंगे, इटली वालों के सपने साकार नहीं होने देंगे, देश के हर एक व्यक्ति को हम देशभक्त बना देंगे, और भगवा झंडे को हम दुनिया में लहरा देंगे, और सत्य अहिंसा और धर्म का हमें मार्ग चुनना होगा, एक बार फिर से हमको विश्व गुरु बनना होगा। क्या बात है, बहुत बहुत बधाइयां अमित शर्मा जी को, बहुत अच्छा सुनाया इन्होंने, बहुत बढ़िया भगवा आतंकवाद पर जो आरोप लगने वाले थे। कहते हैं कि स्वामी रामदेव सामान बेच रहे हैं, वो तो लाला हो गए, स्वामी रामदेव नहीं लाला रामदेव कहो। अरे बहुत आसान है भाई कहना, लेकिन सुनिए कि जिसने बेचा बेच दिया हमने शेष नहीं बेचा, जिसने बेचा बेच दिया हमने शेष नहीं बेचा, तेवर पूरा बचा रखा है और देश नहीं बेचा, धर्म ईमान बेचने वालों तुमसे तो कहीं अच्छे हैं, आटा नूडल कुछ भी बेचा मगर देश नहीं बेचा। हमारे यहां बीकानेर तक तुम्हारी जमीनों के सौदे नहीं हो रहे भैया। हमारे पास एक फकीर था जिसको देश का मुखिया बनाकर हमने छोड़ा, नोट बंद करवा दिए, भाई हिम्मत का काम है, लोग अपनी जेब से 10 रुपए खर्च नहीं करते, इतना आसान नहीं है। कह दिया कि साहब वो तो रंडवा है, उसको क्या चिंता है। बहुत मुश्किल है, लोग बड़े कवियों ने भी तंज कसे कि साहब कस्तूरबा को भी साथ रखना पड़ता है, यूं ही कोई गांधी नहीं हो जाता। आदेश मैं कहता हूं, अगर आप पंक्तियों संभालना और पूरा समर्थन करना मंच भी, पहली बार देश में ऐसा कोई आदमी आया है, आपने देखा होगा एक अधिकारी के पीछे की साइड गांधी जी की फोटो हुआ करती थी और सामने की साइड चरखे की, पहली बार ऐसा शख्स दुनिया में आया है जिसने गांधी और चरखे को दोनों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। यार सूत कात रहे अधिकारी, गांधी जी खड़े खड़े देख रहे हैं। क्या इल्जाम है? इल्जाम सिर्फ इस बात का है कि नोटबंदी क्यों करवा दी, 3 तलाक बंद क्यों करवा दिए, ये वो सारे काम है जो जुबान से बोल सकते हो लेकिन मन तो तुम्हारा भी यही स्वीकार करता है कि ये काम बंद होने चाहिए। कौन कहता है कि वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, गुजरात से चलकर दिल्ली तक गए हैं, आज इतना बड़ा कर्म जो किया है वो कर्म बड़ा था। मैं भाई अमित शर्मा को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। इस भगवा आतंकवाद अगर शब्द है तो मैं इस आतंकवाद को भी झेलता हूं। मैं बधाइयां देता हूं आप लोगों को जो आपने हिम्मत का काम किया, और ये हिम्मत का काम है, अगर ये नहीं होते तो शायद देश की दशा कुछ और होती। जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजाएंगे। अगर ये आरोप है तो ये आरोप भी सहन है। ये वो सारी बातें थी जो इन्होंने मुझे, जो लिखता है वो इतना आसान नहीं है। 4 पंक्तियां मुझे एक शायर है जोधपुर के, उनकी उधार लेता हूं, कि खून आंखों में जम हो तो गजल होती, खून आंखों में जम हो तैयार हो जाना। बिल्कुल हथियार वतियार समेट गए, खून आंखों में जम हो तो गजल होती है, दर्द की जमीन जरा नम हो तो गजल होती है, खून आंखों में जम हो तो गजल होती है, दर्द की जमीन जरा नम हो तो गजल होती है, और शेर गजलों के कोई हवा में नहीं डलते, खुद से भिड़ने का दम हो तो गजल होती है, खुद से भिड़ने के लिए तैयार एकमात्र लक्ष्मीबाई मंच पर है। आप जोरदार तालियों के साथ गौरी मिश्रा नैनीताल को बुलाएं। ये भारत माता नहीं है भाई, हाँ मतलब मैं इनको बता दूं, वो नारे वही लगाए जा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। आप भारत माता सा एहसास करोगे तो हमें भी पूजा पाठ करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई ढंग का काम करेंगे। तो माता नहीं है तो बहन मान लो मेरे अलावा सारे। एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ, इसका साउंड बढ़ा दीजिए और इको भी बढ़ा दीजिए। तो बढ़ा दो, इसको तो तुम्हारे मन का हो गया।
एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ जी। गृह कलेश और पत्नी पीड़ित आए हुए पतियों को प्रणाम करती हूँ। क्या बात है। और काफी देर से हम सभी को झेल रहे सभी महानुभावों को प्रणाम करती हूँ। जी जी जी। यकीन मानिए जितने अच्छे ढंग से आप सभी को सुन रहे हैं उतने अच्छे श्रोता मुझे कहीं नहीं मिले। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए हो जाए। आदरणीय दिनेश गौर जी को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उनके आदेश पे आपके आंगन में पहली बार आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये धरती साहित्य और संस्कार की धरती है, वीर गाथाओं की धरती है और खासतौर पर विद्या का ज्ञान सबसे ज्यादा सर्वाधिक जहाँ बांटा जाता है उस धरती को नमन करते हुए कवि सम्मेलन की परंपरा को निभाने की एक छोटी सी कोशिश करूंगी। अगर आपका मन मिला, जितने मन से आपने ओज को सुना, हास्य और व्यंग को सुना, उम्मीद करती हूँ उतने ही मन से आप मेरे द्वारा पढ़े गए श्रृंगार को भी सुनेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिंदगी में अगर प्यार आ जाए तो जिंदगी अपने आप मुस्कुराने लगती है। मेरे उस उम्मीद को कायम रखिएगा और मुझे महसूस कराइएगा कि नैनीताल की बेटी जब आपके आंगन में पहली बार आती है तो कितना ज्यादा मान सम्मान और प्रेम देकर के आप उसे विदा करते हैं। पहले कुछ पंक्तियां मैं उस प्रेम से प्रारंभ करूंगी जो सभी प्रेम से बढ़कर होता है। अमित ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, कवि सम्मेलन को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां से शायद मैं अपने श्रृंगार को ना पढ़ पाऊं, लेकिन उस प्रेम से अपने काव्य पाठ को पढ़ना चाहती हूं जो सभी प्रेम से बढ़कर होता है और वो होता है देश प्रेम। यहीं से आप मुझे अंदाजा दिलाएंगे कि आप मुझे कितना सुनना चाहते हैं, कितनी देर तक सुनना चाहते हैं। पूरा आशीर्वाद पढ़ो। आदरणीय को मैं पाकिस्तान की तरह बाद में निपटाऊंगी, लेकिन पहले मैं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मंच का सम्मान करते हुए अपने प्रेम और देश प्रेम की पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। माता शारदे माँ वीणा पाणी की पुजारिन हूँ, केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं। माता शारदे माँ वीणा पाणी की पुजारिन हूँ, केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं। औरों की तोर जाने आप माने या ना माने, औरों की तोर जाने आप माने या ना माने, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं। माने रखती हूँ सम्मान रखती हूँ और संग में सदा ही स्वाभिमान रखती हूँ मैं। नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मन दिया है आपने, मेरा मंच का भी आशीर्वाद मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है। चार पंक्तियां और इस कौमी एकता के इस मंच पे पढ़ने का मेरा मन कर रहा है और उम्मीद करती हूँ इतनी ही मोहब्बत आपकी उन पंक्तों पे भी मिलेगी। सुनिएगा जी। जो लगे प्यास तो उस प्यास को गंगा कर दे। क्या बात है। जो लगे प्यास तो उस प्यास को गंगा कर दे, दुश्मनों के दिलों में खौफ से दंगा कर दे। ऐ मेरे प्यारे वतन जान लुटा दो तुझ पर, ऐ मेरे प्यारे वतन जान लुटा दो तुझ पर, मेरे मौला मेरे आंचल को तिरंगा कर दे, मेरे मौला मेरी आंचल को तिरंगा कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। डीजे वाले बाबू से एक निवेदन करना चाहूंगी कि जब मैं तरन्नुम में कुछ पढ़ू तो इसको इको बढ़ा के रखिएगा, बाकी टाइम आप जो चाहे वो करें, इसके साथ अपनी गर्लफ्रेंड समझ के चलिए पढ़ते हूँ। और बहुत अच्छी अच्छी बात इन्होंने की, ये कह रहे थे कि मैं रानी लक्ष्मीबाई की तरह मंच पे आऊं गधे के साथ, गधे के ऊपर सवारी करके। अब समझ में नहीं आ रहा है कि गधा किसे बनाऊं मैं अपना। वो सब जानते हैं गधा कौन है, उनको पता है गधे तो सारे चले गए, सम्मान वम्मान का हाथ रुके, अब तो आदमी बचे हैं आदमी। बात यह है दरअसल आदरणीय की अच्छी अच्छी बातें सुन के, इनके अच्छे अच्छे कर्तव्य देख करके हम भी गलत फहमी में आ जाते हैं, लेकिन केवल चार पंक्तियां आदरणीय को सौंप करके मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूंगी। अगर बात आपके दिल तक पहुंच जाए और आपको लगे कि उत्तराखंड की इस बेटी ने सही उत्तर दे दिया है इनको नारी शक्ति के रूप में, तो फिर आप सभी अपना भरपूर प्रेम मुझे दीजिएगा। ऊपर से इनको देखो तो काशी काबा लगते हैं,
ऊपर से इनको देखो तो काशी काबा लगते हैं, और जरा फुर्सत से देखो देसी ढाबा लगते हैं, और जरा फुर्सत से देखो देसी ढाबा लगते हैं। इनके ऐसे हाव भाव पे जब मैं चिंतन करती हूँ, इनके ऐसे हाव भाव पे जब मैं चिंतन करती हूँ, मुझको सच्चे डेरे वाले झूठे बाबा लगते हैं, मुझको सच्चे डेरे वाले झूठे बाबा लगते हैं। किसी को मिलन तो किसी को जुदाई ले बैठी, किसी को मोहब्बत तो किसी को तन्हाई ले बैठी। आदमी तो मदेरना भी बुरा नहीं था, उसको अमरचंद की लुगाई ले बैठी। हम तो तुम जैसी दूसरों की लुगाइयों के चक्कर में मरे। बात लुगाई की कर रहे हैं आदरणीय जी, और आप देख रहे हैं मंच पे आगे कैसे काम कर रहे हैं। चार पंक्तियां और इनको सौंप दूं, इनके समर्थन दीजिएगा पूरा, तभी बात करोगे। मतलब मैं भी शुद्ध साहित्य पढ़ना मैं जानती हूँ कि जो भंवर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे, जो भंवर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे, जो सांझ के ना हुए वो भोर के क्या होंगे। और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं आदरणीय शंकर जी, लेकिन जो अपनी बीवी के ना हुए किसी और के क्या होंगे। शुक्रिया भैया, बोला क्या आपने? नहीं, अगर बोला भी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलते हैं आजकल कोई दिक्कत नहीं। अगर भैया बोला तो वो शब्द मैं जीतू भैया की तरफ छोड़ता हूँ, और अगर ने भैगी से के सेल गया हो तो बात मैं आपको बताता हूँ। माना कि मंचों पर बड़ी बकवास करता हूँ, इस छोटे माइक से कुछ खास करता हूँ। चौथी पंक्ति आपके पहुंचे तो बता रहे इनको। माना कि मंचों पर बड़ी बकवास करता हूँ, इस छोटे माइक से कुछ ना कुछ खास करता हूँ, और ये शादी वादी पत्नी वत्नी इसका डर मत दिखाओ, मैं खुद शादीशुदा हूँ और शादीशुदा में विश्वास करता हूँ। बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, और सच कहूँ तो बहुत अच्छी शेरो शायरी भी करते हैं। चार पंक्तियाँ और मुझे याद आ रही हैं कि साखी बनी तो पैमाने बने, साखी बनी तो पैमाने बने, ये महफिलें बनी तो मैखाने बने, कुछ तो बात जरूर है आपकी शायरी में, यूं ही नहीं जगह जगह पागल खाने बने। देखो इन्होंने ये इशारा किया आगरा की तरफ, और उधर से आवाज आई कि बहुत अच्छा है। देखो ऐसे बोलते हैं, बीच में बोल जाते हैं। देखो देखो मेरी बात सुनो, पागल जब भी कोई मनुष्य होता है उसके दो कारण होते हैं, या तो वो दारू पीने से होता है या लुगाई की वजह से होता है। मैं दारू पीता नहीं हूँ, इसलिए मैं पागल तुम जैसी लुगाई चक्कर में हुआ। और ये बात अगर सही है कि मैं पागल औरतों के चक्कर में होता है, तो जोरदार तालियां बजाओ, सेवादारों के चक्कर में पागल। देखिए बात ऐसी कुछ भी नहीं है, आप बार बार सारी बात जीतू जी की तरफ डाल दे रहे थे, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ। वो इतने अच्छे इंसान है, इतने अच्छे इंसान है कि सच कहूँ तो मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं अपनी मोहब्बत की परिभाषा कहना चाहती हूँ। अगर बात आपको लगे कि सच में हर नारी को उनसे ऐसी ही मोहब्बत होनी चाहिए, तो आप सब मेरी बात का पूर्ण समर्थन कीजिएगा कि ना दुआ से मिलती है ना दवा से मिलती है। क्या बात है, ना दुआ से मिलती है ना दवा से मिलती है, ये मोहब्बत तो खुदा की रहमत से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं जीतू जी से, क्योंकि इनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। जीतू भैया पक्का हो गया मामला इनके। देखो एक भैया तो आप हो गए, केके शर्मा जी का है, वो जीजा जी, इनके जीजा जी भी यहीं बैठे हैं, तो सारे घर वाले तुम बैठे हो, बोलो बात कर लूं क्या? बहुत अच्छी बात है, राखी बंधवा लेना इनसे। भैया से मैं वैसे ही शगुन लेने आई थी, इस बार राखी का शगुन अधूरा रह गया था। लेकिन एक बात ये कह रहे थे अभी के शर्मा जी के, और वो बहुत बुजुर्ग इंसान है, आप बुजुर्गों के लिए ऐसा वैसा कुछ भी मत कहिए, क्योंकि इसमें उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं होती है। हालांकि प्रथम पंक्ति में भी कई, मैं उन्हें बुजुर्ग तो नहीं कहूंगी, भूतपूर्व नौजवान भी बैठे हैं, उनकी उपस्थिति को भी नमन करती हूँ। चार पंक्ति केवल उनके लक्षण के ऊपर परिभाषित करके मैं सीधे सीधे अपने काव्य पाठ की तरफ बढ़ूंगी। सुनिएगा चाचा जी, आप भी सुनिएगा, आपको प्रणाम करती हूँ। कब्र में पैर लटके प्यार की रिक्वेस्ट करती है, कब्र में पैर लटके
बैठ के प्यार की रिक्वेस्ट करती है, इश्क के नाम पर बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करती है, इश्क के नाम पर बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करती है, इसी आदत के ही चलते है टूटे दांत सब इनके, इसी आदत के ही चलते है टूटे दांत सब इनके, बुढ़ापे में हसीना हो कट टाइम वेस्ट करती, बुढ़ापे में हसीना हो कट टाइम वेस्ट करती। बैरंग लिफाफे हैं, गुमनाम पता देते हैं इनके बुड्ढों को, बुड्ढे बुड्ढे कर तो रहे हो आप, सुन लो कि बैरंग लिफाफे हैं, गुमनाम पता देते हैं, बिना कुछ किए एहसान जता देते हैं, इनके हुनर को आप नहीं हम जानते हैं, ये दीवार सूम कर घर में लड़कियां बता देते हैं। न्यू बटरी जा आयन बोल जीत गया ना। लेकिन इनके लक्षण मैं बता दूं, ये तो कुंभल सुन के बता देते हैं कि भैंस की उम्र कितनी है। देखो ये क्या है, ये वो वाली बात हो गई जब मतलब बिल्कुल कुछ नहीं हुआ तो बाटा ही सही, मतलब हथियार नहीं मिला तो बाटा ही सही। इसने कहा भाई भैंस का ये गोबर सुन के बता देते हैं कि भैंस की उम्र क्या है। ये बात इसने दिन में मेरे को होटल में भी कही, बोले यार तुम खा के इतना खाना खाते हो, आजकल बिल्कुल भैंसे की तरह हो गए हो। मैंने तो दिन में जवाब दिया था, मैं फिर जवाब दे रहा हूँ, भैंसा ही दुनिया का एकमात्र ऐसा प्राणी जो प्यार करने के पैसे लेता है। जोरदार तालियां बजाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी कमजोरी क्या है मैं आपको बताती हूँ, कि नाव तो है नहीं पतवार लिए बैठे हैं, नाव तो है नहीं पतवार लिए बैठे हैं, पेट्रोल तो है नहीं कार लिए बैठे हैं, शेरनी का शिकार क्या करोगे चिड़ीमार, हिम्मत तो है नहीं तलवार लिए बैठे हैं। लंगूर की फितरत है वो काट लेता, तुम शेरनी हो ना, हम तो बंदर के भाई, मनुष्य कहाँ से आया, बंदर से आया ना, हम तो बंदर है, खुद बंदर कह रहे हैं। मैंने नहीं कहा भाई, हमारे तो पूर्वज वो ही थे, हम सीधे होते गए खड़े होते गए तो आदमी हो गए, फिर भी मैं तुम्हें कह देता हूँ तुम शेरनी हो ना, तो शेरनी का जवाब सुनो कि लंगूर की फितरत होती है वो काट लेता है, गहरी खाई को पल में पाट लेता है, और तुम्हारे शेर को जरा भी मयसर नहीं होती जिंदगी भर, ये बंदर ही है जो सिराजीत को काट लेता है। अच्छा आप लोग इनकी तरफ है या मेरी तरफ है? नहीं तो एक बात कहना चाहती हूँ, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ मंच में बैठ करके कर रहे हो, शादीशुदा इंसान है, मैं केवल इतना कहती हूँ कि समंदर में जहाज को हवा दिखाता है, जहाज खुद नहीं चलते वो खुदा चलाता है, और कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे आरण्य शंकर जी, आपको ये खबर ही नहीं कि घर पर आपकी दुकान कोई दूसरा चलाता है। मतलब आप लोग पूरी बात सुने गलत आगे। देखो पहली बात तो आप इनसे ये मत पूछना आप किन की तरफ हो, क्योंकि कोटा वालों को मैं जानता हूँ, श्यामलाल की बारात में जाते हैं, बैंड श्यामलाल का बढ़िया बज रहा हूँ, वहां आता आप इन पर तो जाओ मत। और दूसरी बात आप ये सुन लो कि अगर आप ये कह रहे हो कि अगर मेले में कोई दूसरा चलाता है तो एक दिन के लिए आप अपने घर का संचालन मुझे सौंप के देखो। देखिए मैं जानती हूँ कवि सम्मेलन का संचालन उन्हीं से कराया जाता है जो घर का संचालन बिल्कुल अच्छा नहीं करते, और घर पे जिनको बोलने की बिल्कुल इजाजत नहीं होती वही मंच पे आके बटर अपनी सारी भड़ास पूरी निकालते हैं, तो इसलिए इनको प्रणाम करती हूँ। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सच कहूँ तो मेरा दिल भी बेकरार है, सच कहूँ तो मेरा दिल भी बेकरार है, और यकीन मानिए आपके हर सवाल पे मेरी हार है, और बहुत बेसब्री से इंतजार है मुझे उस रिश्ते का जिस दिन उस प्यारे से रक्षाबंधन का त्योहार है। इस बात को मैं यही खत्म करके सीधे सीधे अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। होता है लास्ट में, और क्या है, जब मान लो बैसाई नहीं हो तो भाई बहन तो बनो कम से कम। देश के बहुत अच्छे संचालक हैं आदरणीय शंकर जी, और मेरी खुशकिस्मती है कि पहली बार मंच पे मुझे गौरी के साथ शंकर की
जोड़ी वाले एक संचालक मिलते हैं और बहुत बड़ी बड़ी कलम आज इस मंच पर उपस्थित है, आदरणीय राम बाबू सिकरवार जी और साथ ही हमारे हंसी के सरताज सुरेश अलबेला जी की उपस्थिति इस मंच पर होती है, गीत के सरताज हमारे आनंद जी यहाँ उपस्थित हैं और अमित जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। उन सबकी उपस्थिति को नमन करते हुए मैं चार पंक्तियाँ और पढ़ना चाहती हूँ, प्यार और मनोहार की ओर आपके मन को परिवर्तित करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा आप सभी ने मेरा साथ दिया, ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिएगा तो आपके मन के हर एक प्यार के उस कोने को मैं छू करके जाऊंगी जिसमें कहीं ना कहीं सच्ची मोहब्बत बसती है। चार पंक्तियां गुलाबी नोट के उस दौर से चुरा के गुलाबी रंग से अपनी मोहब्बत को आप तक जोड़ने की कोशिश करती हूँ, उस गुलाबी रंग को ध्यान में रख के मेरी इस मोहब्बत को सुनिएगा। जी जी चाचा जी, आप तो अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और मैं एक निवेदन भी करना चाहती हूँ, जब मैं मंच से नीचे उतरू तब भी आप इतनी दूरी बनाए रखिएगा। पर गुलाबी नोट से ज्यादा आ जाओ पीछे जितने लोग खड़े हैं मैं उनसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, आप लोग आगे आकर के बैठ सकते हैं क्योंकि पहले ही बता चुके हैं जो खड़े हैं वो बिल्कुल नहीं बैठेंगे क्योंकि हम भारतीय लोग ऐसी किसी चीज पे बैठना ही नहीं चाहते जिस पे लेट नहीं सकते। मैं ब्राह्मण कुल की कन्या हूँ और मुझे यही सिखाया गया है बड़े बुजुर्गों का पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं सीधे सीधे अपना काव्य पाठ पे बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, पढ़िए। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, मिले ताली इस धरती को नैनी ताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनी ताल कर दूंगी। और एक बात कहना चाहती हूँ, मंच पर आया हर एक कवि या कवित्री क्यों आप सबकी तालियां चाहता है, एक बार छोटी सी कोशिश मैंने ये महसूस कराने की है कि आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है, अगर बात आपको सच्ची अच्छी और मौलिक लगे तो आगे से लेके पीछे तक दाएं से लेके बाएं तक हर एक व्यक्ति दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मुझे ये बताएगा कि सच में इससे अच्छी परिभाषा आपकी तालियों की नहीं हो सकती है। नारी शक्ति यहाँ उपस्थित है, उनको नमन करते हुए ये पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। न फूलों में न कलियों में वह न वो माली में आती है जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, न फूलों में न कलियों में न वो माली में आती है जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। बहुत बहुत काफी देर से मैं देख रही हूँ, मेरे कुछ नौजवान साथी हैं, मेरे फेसबुक के दोस्त भी यहाँ बैठे हुए हैं, चार पंक्तियां उनके सम्मान में भी पढ़ना चाहती हूँ लेकिन जिम्मेदारी मैं आप सबको सौंपना चाहती हूँ, अगर आपको लगे कि सच में उनके लक्षण बिल्कुल वैसे ही हैं तो आप सब भी मेरी बात का समर्थन कर सकते हैं, मंच भी मेरी इन पंक्तियों पर ध्यान दे और अपना स्नेह दे। जी इन्हें बस जनवरी दे दो, जितने लोग आपको अपने आप को नौजवान समझते हैं वो इस पंक्ति को बहुत दिल से सुन सकते हैं, पढ़ती हूँ। इन्हें बस जनवरी दे दो दिसंबर मांग लेते हैं, क्या बात है, जमीन दिखती नहीं फिर भी अंबर मांग लेते हैं, इन्हें बस जनवरी दे दो दिसंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं, बताओ क्या की लड़की बने हैं कौन मिट्टी की, बताओ क्या की लड़की बने
सी बात भर कर लो तू नंबर मांग ले बात भर कर लो तू नंबर मांग लेते हैं। और मैं जानती हूँ ताली वही लोग बजा रहे थे जो यही काम करते हैं। और एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल ही रहेगा, क्योंकि हमारे भारत देश में सिंगल और कुंवारों का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। चाहे आप सीएम को ले लीजिए, पढ़ती हूँ चार पंक्ति और यहाँ पे नारी शक्ति बालिकाएं भी मुझे नजर आ रही है जी। ये बात मंच पे उपस्थित दो कुंवारों के लिए भी लागू होती है। एक तो सलमान खान की तरह कुंवारे हैं, एक अभी होने की कगार पे हैं। चलिए पढ़ती जी। नारी शक्ति को समर्पित मेरी गीत की कुछ पंक्तियां। बहुत समृद्ध मंच है, ये बिन ब्याह है, बिन ब्याह है, कुंवारे नहीं है। मैं जानती हूँ ये बीच बीच में ऐसे ही कारनामे करते रहेंगे, क्योंकि इन्हें सुनने की बहुत बुरी आदत लगी हुई है। घर पे इनकी बीवी सुनाती रहती है और यहाँ ये सोच रहे हैं मैं वो जिम्मेदारी उठाऊं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। लेकिन एक बार की बात है, इन्होंने अपनी पत्नी से पूछ लिया कि तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कही। इनकी बीवी बहुत सीधी साधी भोली वाली बेचारी सच बोलने वाली महिला है, कहने लगे बताओ तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कही। वो कहने लगी रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, खाली मुझे शर्म आती, मैं नहीं बता पाऊंगी। जिद करने लगे अड़ गए एक बात पे कि बताओ तुमने मुझे शादी के लिए क्यों हाँ कही। कहने लगी मैंने आपको दो बार बर्तन धोते हुए देख लिया था। बस उसी दिन से तलाक लेने की बात पे वकील के घर निकल गए कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। लेकिन ठीक 10 मिनट बाद वापस घर पे आ गए। पति ने पूछा क्या हुआ, कहने लगे मैंने उनको खुद घर में पोछा लगाते हुए देखा है। तो ऐसे तो इनके कारनामे हैं, इसलिए बीच बीच में कपड़े बढ़िया धोता हूँ मैं। एक बात कहना चाहती हूँ, मैं सीधे सीधे नारी शक्ति के ऊपर एक पंक्तियाँ पढ़ना चाहती थी कुछ, लेकिन मैं बहुत सम्मानित तरीके से आदरणीय को अपने गीत की कुछ पंक्तियों के माध्यम से एक जवाब दे करके उस गीत की पंक्तियाँ पढ़ूंगी जिसकी भूमिका मैं बनाना चाह रही थी और आप सबका आशीर्वाद पाना चाह रही थी। लेकिन अगर आपको लगे कि मैंने सच में बहुत सम्मानित तरीके से आदरणीय को बहुत अच्छा जवाब दे दिया है, तो उस गीत में आपकी तालियों की ताल मुझे चाहिए। अगर आपने ताल दे दी तो मेरा वो नया गीत यहाँ पढ़ना सार्थक हो जाएगा और मेरा दिया गया जवाब भी शायद आपके दिल को माननीय होगा। पढ़ती हूँ जी, स्वागत। हाँ तो सब आशीर्वाद देने में लगे हुए तेरे को, क्या चक्कर? लक्ष्मी बाई कहा है ना मुझे इसी कारण लग न पाऊंगी हाथों में तेरी कभी। वाह वाह वाह, लग न पाऊंगी हाथों में तेरी कभी, हाथ तू अपना ले अपने भी कर तब सभी। लग न पाऊंगी हाथों में तेरी कभी, अब तू अपना ले अपने भी कर तब सभी। हाथ खाली के खाली रहेंगे तेरे, हाथ खाली के खाली रहेंगे तेरे। जेल भिजवा दूँ तुझको अभी के अभी, जेल भिजवा दूँ तुझको अभी के अभी। मैं तिजोरी नहीं हूँ लुटेरे रे, मत लगा घात घुप अंधेरे रे, मत लगा घात घुप अंधेरे रे। मैं मछरिया नहीं हूँ, मछरिया नहीं हूँ मछेरे रे, बैरी मत डाल। आपके तालों की ताल नहीं मिल रही है तो इसलिए मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं सही जवाब दे रही हूँ। मैं मछरिया नहीं हूँ मछेरे रे, बैरी मत डाल जाल मत घेरे रे, बैरी मत डाल जाल मत घेरे रे। इसलिए आदरणीय से एक निवेदन करना चाहूंगी कि सीधे सीधे मैं गीत पढ़ना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छा संचालन करते हैं हर मंच पर, हर कवि सम्मेलन का। मैं चाहती हूँ थोड़ी देर आप मेरा साथ दें और इस पवित्र गीत की भूमिका में मैं केवल चार पंक्तियां कहना चाहती हूँ। अगर हम अपने घर से ही शुरुआत करें बेटी को बचाने की,
तो जितने भी अभियान हमारे देश में चल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, शायद ऐसे किसी भी अभियान की जरूरत हमारे देश में या हमारे किसी भी कुनबे में नहीं पड़ेगी। चार पंक्तियां उस गीत की भूमिका में पढ़ के आप सबका मन बनाना चाहती हूँ, ताकि आपका स्नेह उस गीत पे मुझे मिले। और जितने मन से आप हास्य और व्यंग को सुन रहे थे, उतने ही मन से आप इस शुद्ध काव्य को भी सुने, पढ़ती हूँ जी। विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है, ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, जहां पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है, जहां पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है। खिंचवा लूंगा ना, इतना रोबा क्यों पड़ रहे थे? छोरी कि गुलाबी नोट को गुलाबी गाल कर दूंगी और मैं कोटा को नैनीताल कर दूंगी, तेरा बाप का राज है। कोटा को नैनीताल कर दूंगी, ऐसे कैसे कर देगी? अभी मैं खेतू बोला मैं ये डोकरा बैठा है, अब मैं यू बोल दू बोला मैं इस डोकरे को दीपिका पादुकोण बना दूंगा। नैनीताल कर दूंगी, अरे मैं कह रहा हूँ ये कोटा के दो चार को नैनीताल ले जाके देगी, ये दो मिनट में नैनीताल को कोटा कर देगी। क्यों बोलू, और कितना पाउडर लगा के आई, इतना पाउडर लगा के आई है, भगवान कसम मेरा कैरम बोर्ड खेलने का मन करता है। तो आप सब मस्ती के मूड में आ जाओ, मैं एक एक व्यक्ति के ठाके चाहता हूँ, जब तक ऐसे हंसो जैसे भांग खा के आए हो, जब तक एक एक आदमी का ठाका नहीं आएगा मेरे को मजा नहीं आएगा, क्योंकि मेरी लड़ाई उदासी के खिलाफ। वाह भैया बहुत अच्छी बात, मैं चाहता हूँ कि दुनिया के हर आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, क्योंकि कहीं किसी ने लिखा है, आज दिन तक मेरे को मालूम नहीं चला किसने लिखा, पर किसी ने लिखा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता। तालियां मुठे आपकी, कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहाँ जाता है वही स्वर्ग बना देता है। मैं आपकी महफिल को स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोई फालतू बात नहीं करूंगा, ये मैं तो आदमी इंटेलिजेंट हूँ। भगवान कसम मैं जब पांचवीं पढ़ता था, एक बार मास्टर ने मेरे से पूछ लिया, बता बेटा लड़की में कौन सी ई की मात्रा लगती है? मैंने कहा गुरुजी पहले तो लड़की दिखाओ। लड़की अगर अपन से बड़ी है तो बड़ी ई की लगा दे, छोटी है तो छोटी ई की लगा दे, और बराबर की है तो फिर मात्रा लगाने की जरूरत ही क्या है। मस्त रहो यार, फालतू फोगट की बात से कोई मतलब नहीं है, आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए। भाई भेड़िया ने यार, भगवान ने खड़े रहने के लिए पांव दिए तो टिकाने के लिए भी कुछ ना कुछ दिया ही होगा। वैसे भी डार्विन का सिद्धांत है कि हम शरीर के जिन अंगों का प्रयोग करते हैं धीरे धीरे लुप्त हो जाए। आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए, फालतू बातों से कोई मतलब नहीं है। और ये क्या खींच रहे हैं भाई, ये जमाना गया फोटो खींचने का, आजकल नया जमाना आ गया सेल्फी खींचने का, आगे ना जमाना नहीं बीमारी आई। अब लड़के तो कम खींचते हैं पर ये लड़कियां ज्यादा खींचती हैं, अब इनको सेल्फी खींचनी होगी ना,
तो हम लड़कों की तरह थोड़ी खींचती है ये, जब खींचेगी तो कभी कभी यूं करेगी। आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाओ, जरूरत ही नहीं है। देसी घी को विज्ञापन करने की जरूरत ही नहीं। अब अभी तुम कह रहे थे ना अभी कि वो कोई बुजुर्ग सुनने आए हैं मेरे को, कोई बुजुर्ग सुनने आए, वो बुजुर्ग नहीं है, वो कोटा के सबसे बड़े कवि अरविंद सोरेल है जो तुमको सामने बैठ के सुन रहे हैं। उनको तो सुन सुन के हम बड़े हो गए। देखो आदमी को मस्त रहना चाहिए, क्या मतलब फालतू बातों से। मैं थोड़ा सा मूड में आने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कह रहा था बोलो वो नैनीताल से आई है, वो दिल्ली से आए हैं और हम यहीं से आए हैं, तो क्या जरूरत है कहने की यार कि वो यहाँ से आए वो यहाँ से आए। देखो मैं आपको बताऊं, मैं पाटन पोल से आया हूँ और भगवान कसम मैं वापिस भी पाटन पोल ही जाऊंगा। क्योंकि एक बात बताओ, अपन नैनीताल दिल्ली बम्बई घूमते फिरे और अपने घर के सामने दूसरे घूमते फिरे फालतू बात से। आदमी को मस्त रहना चाहिए। जीतू भाई मैं आपको बताऊं, जैसे बात कर रहे थे बोले मोदी जी, ये मोदी जी क्या है, देश का सबसे इंटेलिजेंट आदमी है नरेंद्र मोदी। मोदी जी आजकल कहीं भी जहां भी जाते हैं ना भाषण देने के लिए, तो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों को साथ में लेके जाते हैं और फिर सामने वाली कुर्सी बिठा देते हैं, जैसे हमने जीतू भाई और तिवारी जी को बिठा रखा है, और फिर कहते हैं कि आज मैं जहां कहीं भी हूं इन दोनों की वजह से, और ये दोनों जहां कहीं भी है। अच्छा है, हो जंग अभी तक जारी है, मायावती कुंवारी है। जंग भाई साहब बैठ जाओ कहीं भी, चार पांच लोगों की जगह देख के। और आप तो बीच बीच में खड़े भी होते रहा करो, क्योंकि इन कुर्सियों को भी सांस लेनी पड़ती है। हो जंग अभी तक जारी है, मायावती कुंवारी है, राहुल गांधी सोच रहे हैं अब तो अपनी बारी है। ये मौसम मस्त बहारों का, लो आया राजकुमारों का। ये मौसम मस्त बहारों का, लो आया राज। मैं कुंवारे का नाम लेता हूँ, उसका नाम सुन के अगर आपके दिल में आदर सम्मान और प्यार की एक भी हिलोर उठे, तो इस सदन में जितने भी हाथ हैं, मैं एक एक व्यक्ति के आकाश की फिजाओं की तरफ हाथ लहरते हुए देखना चाहता हूँ। मैं नाम लेने की कोशिश करता हूँ, आपकी तालियां तय करेगी कि मुझे अब इस माइक पर और कितनी देर खड़े होना है। ओ क्रिकेट में विराट कोहली है, फिल्मों में सलमान, लेकिन नाम ये नहीं था, आपने तालियां पहले बजा दी। अगले नाम पे मैं सबकी तालियां चाहता हूँ, और इतनी कमजोर तालियां उस दाम पे नहीं बजेगी। मैं एक साथ सबकी तालियां चाहता हूँ। ओ क्रिकेट में विराट कोहली है, फिल्मों में सलमान, क्रिकेट में विराट कोहली है, फिल्मों में सलमान। ओ क्रिकेट में विराट कोहली है, फिल्मों में सलमान, और कुंवारे हैं देवों में पवन पुत्र हनुमान। देश की जय जयकार लो आया राजकुमारों का। वो चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, स्ट्रोंगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। अच्छा हमारे पड़ोस में क्या है भाई साहब, हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो थोड़ा आटा कटक के बोलता है,
हर चीज में अटकता है। अब एक दिन वो मेरे पास आ गया, बोलो भाई साहब। मैंने कहा क्या हुआ? बोलो भाई साहब क्या? मैंने कहा क्या हुआ? बोलो भाई साहब फिल्म देख के आया हूँ। मैंने कहा कौन सी फिल्म देख के आया तू? बोलो भाई साहब वो कटप्पा वाली बाहुबली तू देख के आया हूँ, स्टोरी सुनाऊ? अब उसने स्टोरी सुनाई, 10 घंटे तक तो इंटरवेल ही नहीं आया। एक दिन फिर आ गया मेरे पास, एक दिन एक दुकान पे चला गया। उसने दुकानदार से कहा, बोलो भाई साहब मेरे को कोई नौकरी वोकरी दे दो। दुकानदार ने उससे कहा, यार एक काम कर, ये 10 रामायण इनको बेच के आ। वो गया आधे घंटे कल भी सुनाया था। फिर दुकानदार से बोला, भाई साहब ये तो यूं ही थोड़ी ज्यादा दो। दुकानदार ने उसको 20 रामायण दियो, फिर आधे घंटे में बेच दिया गया। फिर बोला, भाई साहब ये भी यूं ही बिकी, आप तो ज्यादा दो। दुकानदार ने उसको 100 रामायण दी, वो फिर आधे घंटे में बेच के आ गया। तो दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, बोले यार ये रामायण बेचने में लोगों को 5-5 साल लग जाते हैं, 100 रामायण बेचने में तू जाता है आधे घंटे में कैसे बेच के आ जाता है? तो बोला भाई साहब इसमें करना क्या है, घर घर जाता हूँ, दरवाजा कटाता हूँ और कहता हूँ खरीद रहे हो कि पढ़ के सुनाऊं। अच्छा है, अरे बढ़िया अब आएगा, अब आया बढ़िया। एक दिन फिर आ गया मेरे पास, बोला भाई साहब छोड़ दिए मैंने रामायण बेचना। मैंने कहा आप क्या करने लग गया फिर? बोला भाई साहब मेरी तो नई जॉब लग गई। मैंने कहा नई जॉब कहीं में लग गई तेरी? बोला भाई साहब मेरी रेलवे में लग गई। मैंने कहा रेलवे में किस चीज की नौकरी लग गई तेरी? बोला भाई साहब रेलवे में लगी है ये अनाउंसमेंट करने की। अब उसने अनाउंसमेंट किया, राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई थी, गई आई थी गई नहीं। एक दिन क्रिकेट का मैच खेलने चला गया। अब क्रिकेट के मैच में उसको डायरेक्ट कप्तान बना दिया। अब कप्तान बना दिया तो अंपायर ने उसके सामने सिक्का उछाला, बोला मार तू हेड मांगेगा टेल मांगेगा। अब अंपायर ने सिक्का उछाला यही वाला भाई साहब यही कुछ आदमी मस्त रहना चाहिए। दारू पी के ना फालतू बातों से ऐसे बोलता है क्या? पहली बार सुना है, पहली बार सुना है। मैं तो खुद ही बजा लेता हूँ। अल्लाह कसम, और मैंने कसम खा रखी है ना, तो मैं जिंदगी में खुद शादी करूंगा और ना ही अपने बच्चों को करने दूंगा। इंटरनेट का जमाना है, गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, एक दिन मैं ये शंकर शिखर और ये डोकरा, हम तीनों जा रहे थे रास्ते में, तो हम तीनों को भगवान मिल गए।
भगवान पहले मेरे पास आए, मेरे से बोले बेटा तेरे को अब शादी करनी पड़ेगी, तो भगवान मेरे पास 80 साल की डोकरी लेके आ गए, बोले इससे करनी पड़ेगी। अरे मैंने कहा भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था? भगवान बोले बेटा तूने बचपन में कबूतर मार दिया था, फिर शंकर जी का नंबर, भगवान इनके पास 90 साल की डोकरी लेके आ गए। ये बोले भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था? भगवान बोले बेटा तूने भी बचपन में कबूतर मार दिया था, फिर इस डोकरे का नंबर। भगवान इस डोगरे के पास 25 साल की कैटरीना कैफ जैसी लड़की लेके आ गए। और अब मैंने कहा भगवान ये कौन सा न्याय है? ये डोगरे ने ऐसा कौन सा पुण्य का काम कर दिया था? तो भगवान बोले बेटा ये डोगरे ने कुछ नहीं किया, दरअसल इस लड़की ने बचपन में कबूतर मारा। अब तुम फालतू परे आदमी मस्त रहना चाहिए यार, क्या मतलब फालतू फुकट की बात करने से। देखो ऐसा है, ये पाकिस्तान की बात करो, ये करो, और ये जोर जोर से कह रहा था बोलो उसको हटा दो, उसको निमटा दो, ये इसका गला काट दो, इसकी नाड़ काट दो, क्या मतलब है यार? क्यों काट दो? मैं कहता ही नहीं पाकिस्तान के खिलाफ जोर जोर से, अपन धीरे धीरे ही कर लेते। मैं भाई साहब पाकिस्तान को न्यू निमटा दूं, मैंने क्या स्टाइल से काम करता हूँ, मैंने तो मेरे कुत्ते का नाम पाकिस्तान धर रखा है। जब भी मन में आती है उसी के दो दांत देता हूँ, मस्त देता हूँ, कौन टेंशन ले रहा है। उधर पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करता है, इधर मैं अपने कुत्ते का राहुल पिंडी लाल कर देता हूँ। राहुल पिंडी याकूब मेनन को फांसी हुई। देखो हिंदुस्तान की दिक्कत यह है, हमको पाकिस्तान से प्रॉब्लम नहीं है, हमको प्रॉब्लम हिंदुस्तान से ही है। याकूब मेनन को फांसी हुई, याकूब मेनन को फांसी हुई तो हिंदुस्तान का मीडिया बोला, बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिए, और थोड़ी ही गर्मी लगी है कोड खोलना। याकूब मेनन को फांसी हुई तो हिंदुस्तान का मीडिया बोला, बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ, याकूब मेनन को फांसी पे लटकते टाइम उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया, ये बहुत दुखद बात है। ये कौन बोला? ये हिंदुस्तान का मीडिया बोला। तो उसके बाद फिर मैं बोला, मैंने कहा यार एक बात बताओ, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है उसके 17 साल की बेटी हो, ये उससे भी ज्यादा दुखद बात है। क्या बात है जिंदा। देखो देश में होना क्या चाहिए, मैं चाह कि घाटी में गेरों के झंडे हमसे सहन नहीं होते, अफजल हम शर्मिंदा है ये नारे बहन नहीं होते, मन की बातें बहुत हुई अब बंद करो ये मोदी जी गद्दा। देखिए साहब, कविता किसी राजनीति का समर्थन नहीं होती, कविता बगावत की भाषा बोलती है। कविताएं जिस दिन राजनीति का सपोर्ट करने लग जाएगी, या तो उस दिन कविताएं मर जाएंगी या उस दिन राजनीति मर जाएगी। मेरे बहुत सारे हिंदुस्तान में प्रशंसक हो, लेकिन नरेंद्र मोदी खुद मेरे फैन है। आप YouTube पे जाके देखना, उन्होंने खुद ने मेरी कविताएं लगा रखी है अपने ऑफिशियल अकाउंट से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको रास्ता नहीं दिखाऊं। मैं कहने की कोशिश करता हूं, आपको लगे कि मैं ठीक बात बोलता हूं तो आपकी तालियां। पाकिस्तान के लिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान के लिए ये मोदी योगी ये नहीं चाहिए। पाकिस्तान को हिंदुस्तान का एक आदमी है जो 2 मिनट में निमटा सकता है, उसका नाम है राहुल गांधी। क्योंकि एक बात बताओ, जो 125 साल पुरानी कांग्रेस को निमटा सकता है। तो क्या दिक्कत भाई? देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, या वो एक उधर भी बिलावल भुट्टो ने कहा, बोला हम हिंदुस्तान से पूरा का पूरा कश्मीर लेके रहेंगे। बिलावल भुट्टो बोला हम हिंदुस्तान से पूरा का पूरा कश्मीर लेके रहेंगे। हमने बोला यार पूरा तो हमारे खुद के पास ही नहीं है,
पूरा खास है कि देश में बेवकूफों की कमी नहीं है। घाटी में गैरों के झंडे हमसे सहन नहीं होते, अफजल हम शर्मिंदा है ये नारे बहन नहीं होते। मन की बातें बहुत हुई, अब बंद करो ये मोदी जी, गद्दारों को माफ करो या बंद करो अब मोदी जी। आपने वीडियो देखा होगा, एक वीडियो आया था व्हाट्सएप पे, हिंदुस्तान के कुछ सैनिक थे जो चुनाव करवा के जा रहे थे, उस वीडियो में कुछ लोग कश्मीर की कुछ लफंगे उनको चांटे मार रहे थे, कोई हेलमेट से मार रहा था, कोई लात मार रहा था, और हिंदुस्तान में किसी का खून नहीं खोला। और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि ये तो सैनिकों का संतोष है, देखो हमारे सैनिक कितना संतोष रखते हैं। ये संतोष नहीं था साहब, ये कायरता थी। आपको लगे कि मैं ठीक बात बोलने की कोशिश करता हूं तो मैं एक एक व्यक्ति का समर्थन चाहता हूं। आपको लगे कि आपका बेटा आपकी भाषा को स्वर देता है तो जितने भी लोग हैं मुझे 2 मिनट तक तालियों के साथ बताना कि मैं सही बात बोलने की कोशिश करता हूं। ये वैसे भी राजस्थान की धरती है, राजस्थान की धरती वो धरती है, पिछले दिनों वियतनाम के राष्ट्रपति आए हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में, तो अलग अलग महापुरुषों की समाधियों के दर्शन करने गए, उन्होंने गांधी जी की समाधि के दर्शन किए, नेहरू जी की समाधि के दर्शन किए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की समाधि के दर्शन किए। बहुत सारे महापुरुषों की समाधियों के दर्शन करने के बाद वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे एक बार महाराणा प्रताप की समाधि के दर्शन करने हैं, तो सारे नेता चकित रह गए, बोले कि यहाँ पर दिल्ली में तो महाराणा प्रताप की समाधि है ही नहीं, उनको दर्शन कैसे कराएं? तो उनको उदयपुर के पास एक गांव है चावड़, वहां पर ले जाया गया और वहां पर महाराणा प्रताप की समाधि के दर्शन कराए गए। जब वियतनाम के राष्ट्रपति ने चावड़ में महाराणा प्रताप की समाधि के दर्शन किए तो वहां से कुछ मिट्टी उठाई अपने थैले में भरी, मिट्टी उठाई अपने थैले में भरी। तो नेताओं ने पूछा ये क्या कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय आप, तो वियतनाम के राष्ट्रपति ने उत्तर दिया कि मैं इस मिट्टी को ले जाकर वियतनाम की मिट्टी में मिला दूंगा ताकि हमारी धरती पर भी महाराणा प्रताप जैसे पुत्र पैदा हो सके। तब मैं हिंदुस्तान के सैनिकों के समर्थन में बोलना चाहता हूं क्योंकि बर्फ के नीचे एक सैनिक 6 दिन तक दबा रहता है। आज तक साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं कि ये 6 दिन तक जिंदा कैसे रहा। जब तक हिंदुस्तान में ऐसे सैनिक हो, जब तक हिंदुस्तान में ऐसे हनुमान थप्पा जैसे वीर हो, तब तक हमारे देश को किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। और अब तो चाइना भी पीछे हट गया। तब लाइनें पढ़ता हूं मैं आपको। घाटी में गैरों के झंडे हमसे सहन नहीं होते, अफजल हम शर्मिंदा है ये नारे बहन नहीं होते। मन की बातें बहुत हुई, अब बंद करो ये मोदी जी, गद्दारों को माफ करो या बंद करो अब मोदी जी। अभिमन्यु को कौरव दल के चक्रव्यूह में घिरने दो, खुला छोड़ दो सेना को, सरकार गिरे तो गिरने दो। बच्चे बच्चे की जुबान पर देशभक्ति की बोली हो, जो भारत की जय ना बोले उसकी छाती में गोली हो। बहुत अच्छी, बिना बात ही परेशान होने से बोले भगवे की वजह से। जब मैं उनको ये परेशान हो रहा था, बोले ये हो गया कश्मीर में पंडितों पे अत्याचार हो गया। भाई देखो ये देश अभी आपको पता है विवाद चल रहा है, लोग बहादुर शाह जफर की कुल्ला जिन्ना से कर रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी गए वहां पर म्यांमार में, उन्होंने बहादुर शाह जफर की समाधियों पर फूल चढ़ा दिए, तो कुछ लोग बोले कि ये बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान का वो वीर जवान था जिसने अपने बेटे तक कुर्बान कर दिए। एक अंग्रेज ने कहा था बहादुर शाह जफर से कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, जफर ठंडी हो गई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक की मांग की, तख्ते लंदन तक बजेगी तेग हिंदुस्तान की।
बेवकूफ है जो लोग बहादुर शाह जफर की ये देश अब्दुल कलाम का भी है, ये देश अशफाकुल्ला खां का भी है, हालांकि ये बाद में बने। भाई हमारे देश में 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, 25 करोड़ कोई बाबर थोड़ी लाया था उनको ट्रक में भर के, वो हिंदू ही थे, वो बाद में मुसलमान। इसका मैं आपको बताता हूँ, आपने वो पिक्चर देखी होगी अमर अकबर एंथोनी, उसमें अमर था वो हिंदू था, अकबर था वो मुसलमान था, और एंथोनी था वो ईसाई था, लेकिन तीनों के बाप का नाम किशन लाल ही था। बिना बात परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आदमी को छोड़, कोटा का आदमी बहुत छाड़ा देता है यार, कोटा का आदमी इतना इंटेलिजेंट होता भगवान का। कोटा का आदमी तो बहुत छाड़ा देता है। वो एक कोटा का आदमी नैनीताल में चल गया अपनी लुगाई को लेकर। भगवान भाई साहब एक बार बताओ, ये सब बढ़िया हंस रहे, लेकिन भाई साहब आप जैसे हंस रहे हो, आप तो ऐसे हंस रहे हो जैसे मेरे साधु ही बनने वाले हैं। साधु जानते हो आप, साधु किसको कहते हैं? एक ही कंपनी मरा ठगे के दो ग्राहकों को साधु कहते हैं। ये वहां पे भी पूछा गया था। मैं सही कहता हूँ यार, बात मैं गलत बात कह रहा, मैं जानता हूँ भाई कोटा का आदमी इंटेलिजेंट होता है, होता ही है, इसमें कोई शक। एक आदमी कोटा का नैनीताल में चल गया साहब अपनी लुगाई को लेके, अब वो लुगाई को लेके नैनीताल में गया तो वहाँ 10 दिन रहा होटल में। अब 10 दिन के बाद उसने सोचा यार अब हो गया चलते हैं, अब तो मैनेजर के पास गया, मैनेजर से कहा बिल कितना हुआ, मैनेजर बोला जी आपका बिल हुआ है 50,000 रुपये। तो कोटा वाला घबरा गया, बोला 50,000 रुपये किस बात के? बोला साहब 50,000 में से 2,000 तो खाने के। बोला जी खाना तो हमने खाया ही नहीं। मैनेजर बोला खाना क्यों नहीं खाया आपने, खाना तो बिल्कुल तैयार था। कोटा वाला बोला और पैसे किस बात के? बोला 2,000 रुपये आप एसी के। मैनेजर बोला 2,000 रुपये एसी के। कोटा वाला बोला साहब एसी तो चलाया ही नहीं। मैनेजर बोला एसी क्यों नहीं चलाया आपने, एसी तो बिल्कुल तैयार था। बोला और पैसे किस बात के? बोला साहब 2,000 रुपये आपके लाइट के। कोटा वाला बोला साहब जड़ा ही नहीं, काई के पैसे। मैनेजर बोला साहब आपने क्यों नहीं जलाई, लाइट तो बिल्कुल तैयार थी। तो कोटा वाले का दिमाग खराब हो गया। कोटा वाला मैनेजर से बोला मैनेजर पहले तो तू मेरे 20 लाख रुपए का बिल चुका। मैनेजर बोला तेरा कौन सा 20 लाख रुपए का बिल? तो कोटा वाला बोला तूने मेरी लुगाई को छेड़ा है। मैनेजर बोला तेरी लुगाई को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। कोटा वाला बोला तूने काई को नहीं छेड़ा, लुगाई तो बिल्कुल तैयार। अपन फालतू ही परेशान हो रहे हैं, बोले ये हो गया ये जब ये हाड़ूती हाड़ूती का तो होता ही नहीं इंटेलिजेंट, उतारा ज्यादा होता है भाई साहब। मैं आपको बताऊं, वो एक अमेरिकन मिल गया मेरे को, अमेरिकन मुझसे बोला यार दुनिया में जितने भी आविष्कार किए वो सब हम अमेरिका वालों ने किए, तुम हिंदुस्तान वालों ने क्या किया? मैंने कहा तुम अमेरिका वालों ने क्या कर दिया चोटो? बोला हम अमेरिका वालों ने ऐसी मशीन बनाई जिसमें इधर से कद्दू डालो और उधर से सब्जी बन के तैयार। मैंने कहा तो कुछ भी नहीं है, इसके आगे का आविष्कार तो हमारा कोटा वालों ने कर दिया। बोला क्या कर दिया कोटा वालों ने? मैंने कहा कोटा वालों ने ऐसी मशीन बनाई जिसमें इधर से कद्दू डालो और उधर से सब्जी बन के तैयार, और आपको सब्जी पसंद नहीं आए तो इधर से सब्जी डालो उधर से वापिस कद्दू बन के तैयार। कोटा का आदमी डेढ़ चढ़ा, भैया कुर्सी जमा रहे हो तो कुर्सी देख रहे हो क्या? मैंने कहा किसी को देख रहे हो तुम, घर से साथ ही लाए ये कुर्सी? रजाई बूदड़े भी लिया साथ कुर्सी साथ एक और देख भैया, what are you doing now? मैं क्या है साहब, मैं आपको बताऊं, अब आजकल जमाना टेक्नोलॉजी का चल गया, अभी इतनी टेक्नोलॉजी चल गई। अभी मेरे को पिछले दिनों 1 किलो लड्डू चाहिए थे, तो मैंने अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पे फोन किया, तो फोन एक लड़की ने उठाया। लड़की फोन उठाते ही बोली अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका स्वागत है।
लड्डू के लिए एक दबाओ, गुलाब जामुन के लिए दो दबाओ, जलेबी के लिए तीन दबाओ। मैंने एक दबा दिया तो उसने फिर तीन ऑप्शन दे दिए, बोले मूंग के लड्डू के लिए एक दबाओ, बेसन के लड्डू के लिए दो दबाओ और बूंदी के लड्डू के लिए तीन दबाओ। मैंने फिर एक दबा दिया, उसने फिर तीन ऑप्शन दे दिए, घंटाघर के लड्डू के लिए एक दबाओ, पाटन पोल के लड्डू के लिए दो दबाओ, गुमानपुरा के लड्डू के लिए तीन दबाओ। मैंने फिर एक दबा दिया, उसने फिर तीन ऑप्शन दे दिए, बोली एक किलो के लिए एक दबाओ, दस किलो के लिए दो दबाओ और सौ किलो के लिए तीन दबाओ। अब इस बार भाई साहब गलती से मेरा हाथ से तीन दब गया। थोड़ी देर बाद उसी लड़की का फोन आ गया मेरे फोन पे, सर आपने सौ किलो लड्डू का ऑर्डर दिया था। मैंने कहा मैंने तो नहीं दिया। बोला आपके नंबर से ही फोन आया था। मैंने कहा अब तू सुन। मैंने कहा देखा हम दस भाई हैं, सबसे बड़े से बात करने के लिए एक दबाओ। और आप लोग जोरदार तालियां नहीं मत बजाओ, जरूरत नहीं भाई, आप सुन ही रहे हो ना मेरे को। भाई अपन कोटा वाले इंटेलिजेंट होते, जैसे अपने को क्या है, अपने को जूते ही पॉलिश करानी है तो अपन मोची के पास जाएंगे, मोची जूते के रगड़ रगड़ के 10 मिनट में पॉलिश करेगा। अब अमेरिका जैसे देश में ऐसे नहीं करते, अमेरिका में तो क्या है, डायरेक्ट मशीन में पांव डालो पॉलिश होके आ जाएगी, फिर दूसरा पांव मशीन में डालो उसके भी पॉलिश होके आ जाएगी। लेकिन संकट होता है जैसे ही आप दूसरा पांव मशीन में डालोगे, मशीन पांव पकड़ लेती है, फिर उसमें सिक्का डालो जब पांव छोड़ेगी। आइए गौरी मिश्रा लेगी मेरे को अमेरिका में। अब अमेरिका में जैसे ही हम एयरपोर्ट पे उतरे तो वहां पुलिस की मशीन लग रही। अब एक कोटा का लड़का खड़ा खड़ा उस मशीन को एक घंटे से टुकुर टुकुर करके देख रहा था। तो मुझसे यार कोटा का लड़का एक घंटे से मशीन में क्या देख रहा है। मैंने कहा कोटा का है तो जुगाड़ ही देख रहा होगा। अब वो कोटा वाले ने जुगाड़ भी निकाल लिया, उसने क्या किया, पहला पांव मशीन में डाला, उसके पुलिस होके आ गई, और दूसरा पांव उस मशीन में नहीं डाला, दूसरी मशीन में जाके डाल दिया, उसके फ्री में ही पुलिस हो गई। और मजे तो इस बात के लेना, एक अमेरिकन जैसे ही आया और उसने जैसे ही पहला पांव मशीन में डाला, मशीन ने उसका पहला ही पांव पकड़ लिया। कोटा वाले किसी को फंसवा देते हैं। देखो जमाना चेंज हो गया, जमाना इतना चेंज हो गया अमित भाई, राम बाबू जी, मैं आपको बताऊं, जमाना इतना चेंज हो गया, पहले बच्चा जब घर से निकलता था तो माँ कहती थी बेटा बाहर मत जाना, बाहर कान काटने वाला घूम रहा है। आजकल जब माँ बाहर निकलती तो बच्चा कहता है मम्मी बाहर मत जाना, बाहर चूटी काटने वाला घूम रहा है। मैं बढ़िया ही करता हूँ, अरे मैं खराब करता तो पहले नहीं पढ़ता। क्या बोली मैं? क्या बोली? तू चुप रहे और मेरे से पंगा मत लेना कर, समझा लो बेटन। जितना तेरे में टोटल दिमाग है ना उतना तो मेरा खराब ही रहता है। वो मिलती थी रोज मुरारी से, पर से टिंग थी गिरधारी से। जब तक सारे लोग तालियां नहीं बजाएंगे रात भर यही लाइन सुनाता रहूंगा। वो मिलती थी रोज मुरारी से, पर से टिंग थी गिरधारी से, खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से, मिलती थी रोज मुरा। अब लगा ना, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक टिफिन में खाते थे, क्या बात, हम सूखी रोटी लाते थे पर घी का भोग लगाते थे। आदर्श। अब रस्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं, और उसके दो दो बच्चे मुझको मामा जी कह रहे।
अब तालियां तो अब चाहिए मेरे को आपकी एक साथ और धुन पे ही चाहिए और मेरी गारंटी है बजेगी भी सही क्योंकि आप कोटा वाले हो आप तो ताली की आप तो जरूरत पड़ जाए तो कभी को बजा दो अब रस्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं मैं सही कह रहा हूँ जो जो मेरी आज इस गीत के ताली बजाएगा रात को उनके सपने में दीपिका पादुकोण आएगी और जो नी बजाएगा उसके आशाराम बापू भी आ सकता है देखो हिंदुस्तान की सरकार ने हर लड़के की शादी की उम्र तय कर रखी 21 साल मतलब देश की सरकार आपको ये बताती है कि आप शादी कब कर सकते हो और दिग्विजय सिंह जी ये बताते हैं कि कब तक कर सकते हो और आशाराम बापू और नारायण दत्त तिवारी से तो ये शिक्षा मिलती है कि जब तक वैलिडिटी खत्म नहीं हो जाए तब तक कर सकते हो मुझे तो आज दिन तक समझ में नहीं आया इन दोनों डोकरों ने ऐसा कौन सा रिचार्ज करवा रखा है ये देश पता है हर साल होता है नया बाबा बिगड़ के तैयार और ये डोगरे को देख रहा हूँ मैं वो देख ये डोगरा भी मेरे को ऐसा लग रहा है जैसा आशाराम बापू और इसको देखता हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे काले कपड़े में राधे माँ आ गई हो अब रस्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं और उसके दो दो बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं वो हो गई पूनम ढिल्लो सी वो हो गई पूनम ढिल्लो सी हम रह गए अटल बिहारी से मिलती मुरारी पर से टिंकी अखिलेश ने कहा था आऊंगा अखिलेश ने कहा था आऊंगा यूपी में बहुमत लाऊंगा ना तू आया ना तेरा हाथी अब दोनों बन जाओ साथी ओ हाथी साइकिल ना कर यार कमल खिला है अब की बार टूटे टूटे हो गया दिल टूटे टूटे हो गया टूटे देखो मैं सही बात बता रहा हूँ सबसे खराब नेता अगर किसी शहर के हैं ना तो कोटा के हैं कोटा ऐसा शहर मैं बोल के जाऊंगा मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे को दशहरा मैदान में बुलाए कोई कहां नहीं बुलाए मैं तो सच बोलता हूं क्योंकि हमारे बड़े कवि हरिओम पवार जी कहते हैं कि हम वो कलम नहीं हो जो बिक जाती हो दरबारों में हम शब्दों की दीप शिखा है अंधियारे चौबारों में हम वाणी के राजदूत हैं सच पर मरने वाले हैं डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाले हैं अरे उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं देश जले हम कुछ ना बोले हम ऐसे गद्दार नहीं क्या बात है शहर के साथ इतना अन्याय हुआ वो किसी शहर के साथ नहीं हुआ इस शहर के साथ इतना अन्याय हुआ कि दुनिया भर के स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं कोटा में आईआईटी करने के लिए और हमारा गृह मंत्री होते हुए भी आईआईटी जोधपुर में चली गई क्या बात है यहाँ के वकील दुनिया में जाने माने पहचाने जाते हैं गृह मंत्री होते हुए भी धारीवाल जी के होते हुए भी सुप्रीम हाई कोर्ट की बेंच उदयपुर में चली गई इन दोनों बातों से ज्यादा शिकायत नहीं थी ऐसे ही है ना सुने क्योंकि उदयपुर जोधपुर बड़े शहर कंपटीशन में ले गए लेकिन शर्म की बात है एक थप्पड़ है हमारे शहर के नेताओं के ऊपर इतना सा झालावाड़ इतने बड़े शहर का एयरपोर्ट छीन के ले गया क्या बात और नो सीटर वाला लॉलीपॉप पकड़ा दिया हमको मैं भाई साहब महीने में 10 बार बैठता हूँ हवाई जहाज में 10 बार अब तक मैं है ना 1500 बार हवाई जहाज में बैठ चुका हूँ आज दिन तक नहीं बैठा मैं नो सीटर वाले प्लेन में कहीं चलता ही नहीं है ये बताऊंगे कोटा चलेगा झालावाड़ वहां पे सवारी उतरेगा वहां से दूसरी फ्लाइट पकड़ो
हमारे शहर के साथ अन्याय हुआ। इतना बड़ा सिटी, उदयपुर से बड़ा है कोटा, उदयपुर से बहुत बड़ा है। यहाँ सबसे पहले एयरपोर्ट बनना चाहिए था, लेकिन हमारे नेताओं ने वसुंधरा राजे सिंधिया, इस पे भी मैंने लिखा था, हालांकि अब वो पुराना हो गया, लेकिन सुनाओ वो। सुन लो ओम बिरला, सुन लो भवानी जी, सुन लो प्रहलाद जी, सुन लो धारी बाल जी, रानी के चाल चलने से पहले, कोटा की शाम ढलने से पहले, एयरपोर्ट बनवा दो, बनवा दो, बनवा दो, क्योंकि देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, सारे ही पढ़ लिए पापा ने रात में, सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, वो फैशन वाले बाल हवा में उड़ गए। लिखे जो एक कविता मैं सुनाता हूँ इस मुकाम पे, अगर आप थोड़ी देर और सुनना चाहते हो तो मैं सुना दूंगा। क्या घर जाओगे? ऐसा सुनना चाहते लड़की वाली नहीं, मैं नहीं सुनाता हूँ ना तुमको, नहीं सुनाओ ना, पुराना माल क्यों चेपो यार, जब अपने पास ऑलरेडी नया माल है तो पुराना माल नहीं चेपना चाहिए। हाड़ो तुम सुनाओ। मल्ली का शेरावत तू थोड़ा अपडेट हो, तू सनी लियोनी के जमाने में मल्ली का शेरावत। आरती में सुना रहे भाई, आरती में तो खड़े हैं, सुनाओ। आरती में लिखी ही नहीं हो तो क्या है, आरती में सुना रहे हैं भाई। अब जैसे ये कवियत्री होती है ना, ये बताओ सुनाती है तो कैसे कहती, सुनो ये कविता मैंने दिल से लिखी है, सुनो ये कविता मैंने दिल से लिखी है। अरे तेने दिल से लिखी है तो हमने कौन सी फेफड़ों से लिखी है, हमने भी दिल से लिखी है, सब दिल से ही लिखते है, सब दिल ही बोलता है। फालतू फोकट की बात से कोई मतलब नहीं है ना, आदमी को मस्त रहना चाहिए। ऐसे ही देश में इतनी टेंशन, अब आप भारत पाकिस्तान की बात कर रहे थे, भारत पाकिस्तान में क्या है भाई साहब, वहाँ पे गोली बन रही है, यू मीन गोली, यस दीवार 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 क्या, हाँ यार तू बहुत छाड़ा है, तुम मेरे साथ चला करो यार, अब वो दीवार बन रही है। इधर क्या है, इंडिया के पाकिस्तान, इंडिया के सैनिक रहते हैं, इधर पाकिस्तान के सैनिक रहते हैं। अब एक बार इंडिया के सैनिकों ने सोचा यार अपन पाकिस्तान वालों के मजे लेते हैं, तो इधर से इंडिया का सैनिक बोला आप में से खुर्रम खान कौन है, उधर से खुर्रम खान खड़ा हुआ, इंडिया वाले ने उसको गोली मार दी। इंडिया वाले ने फिर मजे लेने की सोचा, बोला आप में रहमान खान कौन है, उधर से रहमान खान खड़ा हुआ, इंडिया वाले ने उसको भी गोली मार दी। फिर थोड़ी देर बाद इंडिया के सैनिक ने सोचा यार फिर मजे लेते हैं, बोला आप में से अफजल खान कौन है, उधर से अफजल खान खड़ा हुआ, इंडिया वाले ने उसको भी सल्टा दिया। अब पाकिस्तान वालों के टेक्निक समझ में आ गई, पाकिस्तान वालों के टेक्निक समझ में आती, इधर से पाकिस्तान वाले ने सोचा यार ये इंडिया वाले बेवकूफ बना रहे, अपन भी ऐसे ही करते हैं, तो उधर से इंडिया का सैनिक खड़ा हुआ, उधर से पाकिस्तान का खड़ा हुआ, पाकिस्तान का सैनिक ने दिमाग लगाया कि पाकिस्तान का सैनिक खड़ा हुआ और बोला आप में से रामलाल कौन है, इंडिया की तरफ से कोई भी घड़ा नहीं हुआ। अगले दिन इंडिया का एक सैनिक खड़ा हुआ और उसने पूछा आप में से कल रामलाल के बारे में कौन पूछ रहा था, दिमाग से काम। देखो क्या है कि मैं आपको इंटेलिजेंट वाली बात बता रहा हूं, नहीं नहीं।